जिस तरह से महेश भाई को है। जी हाँ, और 1000 रुपीज है मेरे पास जो महेश भाई ने वो इनाम की राशि लगाई थी, और पिंटिया के लिए वो इनाम गया था। तो पिंटिया प्लीज आ जाए स्टेज पर, और मैन ऑफ द मैच भी निकाल दिया जाए प्लीज। ओमकार मैन ऑफ द मैच कौन है जो स्कोरिंग कर रहे थे? ओमकार प्लीज बता दें। दोस्तों अगला मैच दो बहुत बड़ी टीमों के बीच है, और ऐसी मैच है जो जीतेगा सीधा अगले राउंड में जाएगा, मैदान पे चलेंगे। उसके पहले चलते हैं इनामों की तरफ। मैन ऑफ द मैच और जो इनाम है 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज का इनाम महेश भाई हैं स्टेज पर। और पिंटे आ जाएं प्लीज, आ जाएं स्टेज पर। और मैन ऑफ द मैच ओमकार एक बार मैन ऑफ द मैच निकाल दें स्टेज पर, आ जाएं पिंटे प्लीज। तीन लगातार बाउंड्री लगाने वाले पिंटिया प्लीज स्टेज पर आ जाए। और मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूं महेश भाई से प्लीज आगे आ जाए, और मैं बंटी भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको इनाम देने के लिए। महेश जी ने कहा कि बंटी भाई से कहें सबसे पहले तो ये 1000 रुपीज कैमरे के सामने थोड़ा सा हम देखें, तो ये जो महेश जी ने दिया उनके लगातार तीन बाउंड्री के लिए, थैंक यू वेरी मच महेश। आपने तीनों ही चौके बहुत खूबसूरत लगाए थे, बहुत मजा आपको देखते हुए, थैंक यू। और जी हाँ, और एक और इनाम था महेश भाई की तरफ से कि जो 3 रन दौड़ के कंप्लीट किया गया था वहां पर भी 500 रुपये का इनाम था। तो किस कौन थे वो जो 3 रन दौड़ के पूरा किए थे? प्लीज प्लीज आ जाओ अनिल भाई, आ जाओ। और मैन ऑफ मैच भी यही है कामेश? ओके, तो मैन ऑफ मैच भी यही है, अनिल प्लीज आ जाओ। एक ट्रॉफी लेते हैं मैन ऑफ द मैच की। ये जो आपने 3 रन दौड़ के कंप्लीट किए थे अनिल, ये थोड़ा सा यूनिक इनाम है ऐसा, बहुत दिनेश अनिल क्या मतलब आपने दौड़े थे आप, उन्होंने उन्होंने किया था? अच्छा दिनेश हो आप, दिनेश ऐसा यूनिक इनाम है ऐसा बहुत कम आता है, तो महेश भाई को थैंक्स कहेंगे आप शायद इसके लिए? थैंक्स कहेंगे आप, थैंक यू महेश भाई। महेश भाई आपके पीछे ही हैं, ऐसे सपोर्टर्स जब रहते हैं तो टूर्नामेंट में खेलने में और मजा आता है, इनाम उनाम जब लगाया जाए। शाहपुर में प्रीमियर लीग में खेल के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। श्री विजय जी भगत जितने भी लोग टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल है उनको क्या कहेंगे? मराठी मध्ये सांगल तुम्ही तरी पण चालेल, काय बोलू शकत नाही, खूप चांगले थैंक यू। चलिए, और आपको मैन ऑफ द मैच भी गया है, प्लीज आप रुके रहे, नीलेश वहां से ट्रॉफी दे दें, और इसको देने के लिए महेश भाई से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज आ जाएं मैन ऑफ द मैच को देने के लिए। महेश भाई हैं हमारे साथ, दोस्तों आप जो घर पे बैठे हैं आप सभी देखें प्लीज महेश भाई, दिनेश को गया है। थैंक यू वेरी मच एंड विल प्ले, थैंक यू। चलिए पता लगाते हैं अब एक आज के दिन का शायद सबसे बड़ा मैच हो, कैलाश ने स्ट्राइक पर पहली गेंद, रितेश वॉरियर्स की फील्डिंग। और महेश भाई कहते हुए कि अभी भी वो स्कीम लागू है, अभी भी 3 लगातार चौकों पर 1000, 3 लगातार 6। अच्छा, अभी एक मैच अगला बड़ा है तो इनामों में भी थोड़ा सा एक एक बाउंड्री जुड़ गई है। अब 4 लगातार चौकों पे 1000 और 4 लगातार सिक्सर पे 1000, पैसे उतने ही हैं, सिर्फ काम आपको छोटा करने हैं। 3 पे कैलाश स्ट्राइक पर, मिसफील्ड हुआ लेकिन भागे नहीं रुके। और यहां पर पहली बाउंड्री निकली कैलाश के बल्ले से,
एक नया मैच, दो बहुत बड़ी टीमें, और अब माइक्रोफोन पर स्वागत करते हैं मेरे सहयोगी, मेरे पार्टनर प्लबिंग ब्रदर अरमान से, कि आए और कुछ वक्त के लिए अब मुझे ज्वाइन करें रितेश वॉरियर्स वर्सेस श्रद्धा इंडियन के बीच इस मैच में। दूसरा माइक कहाँ है, प्लीज ले लें। गेंदबाजी करते हुए फजल, ये बॉल डॉट रही। अगर अभी तक टोटल रनों की बात करें तो एक चौका और एक वाइड प्लस वन, तो टोटल 6 रन आए हैं। गेंदें हो चुकी हैं 4। श्रद्धा इंडियंस और रितेश वॉरियर्स 6 रन, 4 गेंदें अब तक हुई है। पहला ओवर चलता हुआ शाहपुर प्रीमियर लीग 2016, प्रेजेंटेड बाय शाहपुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन। इस बार ओवर पिच गेंद थी और तुरंत कबूला गया। ऐसी गेंदों का तो बेसब्री से इंतजार ही करते रहते हैं बल्लेबाज कैलाश, और सिक्सर निकलती हुई इस गेंद पर। यही बड़े बल्लेबाजों की पहचान है कि अगर मौके मिलते हैं तो वहां चूकने नहीं है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती हैं तो उसको ग्रैब कर लें। मौका मिला, तुरंत सिक्सर जड़ दिया गया। हवा में है गेंद, खड़बड़ाहट वहां पर, और कैच पकड़ा गया। बहुत बड़ी सफलता मिल गई बहुत शुरुआत में, एक सिक्सर, एक बाउंड्री और उसके बाद कैलाश का विकेट। पहला ओवर समाप्त इस विकेट के साथ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 12, एक बड़ी सफलता रितेश वॉरियर्स की टीम को पहले ओवर की आखिरी गेंद पर मिली। एक चौका, एक सिक्सर इस ओवर में देखने को मिला, और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि जब रितेश वॉरियर्स के खिलाफ श्रद्धा इंडियंस के बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे और उसमें कैलाश जब बल्लेबाजी करेंगे तो एक बड़ी पारी उनकी बल्लेबाजी में देखने को मिलेगी। हर एक खिलाड़ियों को भली भांति जानते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, और उसके बावजूद आज पहली ही ओवर में श्रद्धा इंडियन के बल्लेबाज कैलाश ने गलती की। शॉर्ट पिच गेंद को पुल करना चाहते थे, लाइन में नहीं आ पाए, गेंद को टाइम नहीं कर पाए और खेल बैठे सीधा खिलाड़ी के हाथ में। 30 यार्ड सर्कल के जो खिलाड़ी मौजूद थे, कुछ दूरी तय करने के बाद ही सेकेंड अटेम्प्ट में उस कैच को पकड़ा गया। एक ओवर समाप्त, 12, एक विकेट के नुकसान पर। अगर किसी को यूनिकॉर्न बाइक है, अगर उसकी की मिली हो तो प्लीज वापस कर दें। ब्लैक कलर का की है, उस पर लिखा हुआ है प्रवीण लिखा हुआ है, तो प्लीज अगर किसी को मिले भी हो तो भी, अगर ना भी मिली हो तो अभी भी अगर कहीं मिल जाए तो प्लीज आप लौटा देंगे। यूनिकॉर्न बाइक की है, प्रवीण लिखा है, तो ग्राउंड पे अगर चलते फिरते आपको या कहीं पर भी मिल जाए तो प्लीज मुझे लाकर दे दें, या फिर अजीत भाई की टीम, महेश स्पोर्ट्स की टीम के किसी भी प्लेयर को दे दें। थैंक यू वेरी मच। शाहपुर प्रीमियर लीग 2016 का ये जश्न पिछले लगातार 5 दिनों से चलता हुआ, 11 तारीख को इस शाहपुर मेगा इवेंट की शुरुआत हुई, आगाज हुआ, और अब वो मोड़, अब वो मरहला आ चुका है जब कौन कौन सी टीमें अगले पड़ाव में पहुंच रही हैं ये सभी मैचेस सुनिश्चित करते हुए एक के बाद एक। यहां पर फिर से तालमेल बिगड़ा था और निश्चित ही एक और बल्लेबाज पवेलियन की तरफ हो जाता रवाना अगर लग जाता स्टंप्स पर निशाना। भाग्यशाली रहे कि निशाना चूका और जीवनदान मिला बल्लेबाज को। राजा आए हैं नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर, आप उनको देख रहे हैं, थोड़ा सा फेरबदल नजर आता हुआ। कभी ये जो पोजीशन है, हालांकि अक्सर हम देखते हैं कि अभिजीत के साथ संदीप, फिर से गेंद बहुत जल्दी आई, थोड़ा सा धीरे हो गया अभिजीत, टाइम नहीं कर सके, किनारा लगा और मिड ऑन के प्लेयर ने कोई गलती नहीं की। दूसरा नुकसान, और क्या कहेंगे आपकी इस तरह की शुरुआत। दूसरे ओवर की शुरुआत हुई, गेंदबाजी के लिए आए दूसरा ओवर प्रमोद, और प्रमोद पहली बॉल डॉट और दूसरी पर विकेट, तो सलामी उम्मीदें अब यहां पर टूटती हुई। कैलाश और अभिजीत दोनों आउट हुए,
और कहना होगा कि दोनों ही सस्ते में आउट हुए, क्योंकि आप इन दोनों बल्लेबाजों से इससे कहीं ज्यादा अपेक्षाएं करते हैं, उम्मीद करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं श्रद्धा इंडियंस के बल्लेबाजों ने या खिलाड़ियों ने रितेश वॉरियर्स को कम आंक लिया हो या कमजोर मान लिया हो? कहते ना कि अपने खेल के अंदर अपने विरोधियों को या किसी भी क्षेत्र में अपने दुश्मन को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। श्रद्धा इंडियन, हालांकि इतने जल्दी इस बात को कह देना थोड़ा सा नामुनासिब होगा, क्योंकि अभी भी 7 ओवर का खेल, इनफैक्ट 6.4 ओवर का खेल होना बाकी है इस इनिंग में, और संदीप निम से नए बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे हैं। एक बड़ी बल्लेबाजी का क्रम है श्रद्धा इंडियन के पास, लेकिन शुरुआत लड़खड़ाते हुए हुई 2 विकेट के नुकसान पर 1.2 ओवर के बाद 12 रन। इन्हें आउट करना है तो बहुत अच्छी गेंद डालनी होगी, मैं बोल दे रहा हूं और आप लोग देख लीजिएगा। शाहपुर प्रीमियर लीग 2016, खूबसूरत, लाजवाब, बेहतरीन, दिलकश, जितने एडजेक्टिव हैं, जितने आपके पास व्याकरण हैं, जितने अलंकार हैं, जितने शब्दों से आप इनको सजा सकें सजा दें। और शायद इसलिए मैंने कहा आते हुए कामेश, अगर इनको आपको आउट करना होगा तो बहुत अच्छी गेंद डालनी होगी, मैंने कह लिया, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत टेक्निक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस बैट्समैन की। पिछली बार जब मैंने इनको देखा, कल भी इनका मैच हुआ, बहुत अच्छा खेले टीम, लेकिन इसके पिछली बार जब मैंने इनको देखा था जिस गेंद पर आउट हुए थे, वहां पर गेंद बहुत अच्छी हो गई थी और डबल माइंडेड हो गए थे। बाद में मैं बात कर रहा था इनके घर में, क्या शायद किनारा लगा था। कई बार ऐसा होता है कि जी हाँ, बल्ले का इशारा आता है अंपायर की तरफ से, कमेंटेटर कर्स भी होता है, यही प्रॉब्लम होती है इस कमेंट्री में। देखें, जब आप टीवी पर कमेंट्री सुनते हैं तो वहां पर तो कमेंटेटर चाहे जो कह जाएं, वो बात खिलाड़ियों तक नहीं पहुंचती, और हमारे साथ यहां पर यही प्रॉब्लम है कि हम जो कहते हैं प्लेयर्स तक पहुंचती है बात मयूरेश, और कहीं ना कहीं कितना भी देखें बातें कह लें, उनके दिल में दिमाग में दवाई जाती है कि आलोक ये कह रहे हैं, अरमान ये कह रहे हैं, मयूरेश ये कह रहे हैं, तो वो दिमाग में आ जाता है और फिर उसके हिसाब से थोड़ा सा होने लगता है। लेकिन प्लीज प्लेयर्स हमारी बात तो बिल्कुल ना सुने, हमारा तो काम ही ये बोलना, हम कुछ भी शायद बोलेंगे, आप लोग सिर्फ अपने खेल पे फोकस करें। लेकिन इसीलिए कहते ना आलोक की जिंदगी में इंसान अगर 2 चीजों पर काबू पा ले तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, और वो 2 चीजें ये है, एक जब आप बुलंदी पर हो तो आपको गुमानी ना हो, और जब आप किसी चीज से लड़खड़ा रहे हो तो आपको मायूसी ना हो। अगर ये 2 चीजें किसी भी इंसान के जीवन में आ जाए तो निश्चित ही वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकता है और अपने गोल को अचीव कर सकता है। 1 रन और खाते में जुड़ा, रन संख्या 18। बिल्कुल, हार कर मायूस नहीं होना है, और बहुत ज्यादा जीत मिल रही है तो वहां पर गुमान में नहीं आना है। प्लेसमेंट देखें क्या कमाल करा, इन्हें पता था कि खिलाड़ी कहां पर है, इसलिए आप देखें कि बल्ले का फ्लो, बल्ले का जो इन्होंने घुमाव किया किस तरफ किया। फील्डर थे डीप मिड विकेट पे, और प्लेसमेंट बहुत लाजवाब, इनको बहुत मजा आता है, आनंद मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। ओवर कंप्लीट हुआ दूसरा, इस ओवर में आए 2 चौके, दोनों निकले संदीप निमसे के बल्ले से, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 2 गॉन। आई बेग योर पार्डन, इट्स 2 विकेट, अभिजीत और कैलाश दोनों आउट हो चुके हैं। 22 for 2 ये है इस वक्त आंकड़ा। 2 ओवर समाप्त, 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और ये जो 6 दिनों का, या यूं कह लूं 6 दिन और शाम रात का जो महामेला है शाहपुर के इस मैदान पर, शाहपुर प्रीमियर लीग 2016 में, ये क्रिकेट एक जरिया है, लेकिन असल कह लूं तो जितने भी शाहपुर के यंग जनरेशन के खिलाड़ी हैं, या फिर अनुभवी खिलाड़ी हैं, या फिर उभरते हुए सितारे हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जरिया जो आज आपके हमारे सबके दरमियान 5वीं शाम चलती हुई, इसका सबसे बड़ा श्रेय विजय जी भगत। तीसरे ओवर की शुरुआत इस वाइड गेंद के साथ, स्ट्राइक पर राजा, नॉन स्ट्राइक एंड पे संदीप निमसे, और तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर से फजल कंटिन्यू करते हुए। पहले ओवर में इन्होंने 12 रन खर्च किए, 1 विकेट चटकाया, और बहुत बड़ी सफलता इन्होंने दिला दी, 1 चौका खाए, 1 सिक्सर खाए, और उसके बाद खरीद लिया गया कैलाश को। 12 रन खर्च करके अगर आप इतने बड़े बैट्समैन को ले लेते हैं तो फिर सौदा तो काफी सस्ता है। सौदा
संदीप ने दूसरे रन का कॉल दिया, थोड़े से धीमे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड के खिलाड़ी, लेकिन जब तक के थ्रो पहुंचता दो रन लेने में कामयाब हुए। बहुत अच्छा क्रिकेट, और आपने देखा कि कॉलिंग कितनी शानदार हुई। संदीप को पता था कि मुझे नॉन स्ट्राइक एंड पे आना है, खतरा यहाँ पर ज्यादा है, उन्होंने अपना एंड सेफ रखा और राजा को पहुंचना था नॉन स्ट्राइक एंड पे। थ्रो भी बहुत अच्छा हुआ, आप ये ना भूलें, थ्रो बहुत ही शानदार हुआ था, लेकिन थे वहां पे दो रन, 90% थे और उसको 10% जो कमी थी उसको पूरा कर दिया राजा ने। और अच्छी बात यह रही राजा की, उन्होंने एंटीसिपेट किया, जब कॉल दिया गया संदीप के द्वारा, कई मरतबा खिलाड़ी मना कर देते हैं और वहां पर थोड़ी सी केमिस्ट्री बिगड़ जाती है, लेकिन जैसे ही देखा गया कि संदीप निकल चुके हैं और मेरे पहुंचने की भी गुंजाइश वहां पर पूरी नजर आ रही है, तो खुद उस कॉल को अटेंड किया और निकल गए दूसरे रन के लिए। पहली ड्यूटी आपकी यही है कि अगर आपका साथी बल्लेबाज आपको कॉल देता है डेंजर जोन पे, उसको पहुंचना है तो आप भाग जाएं, देखे भी ना। दूसरी प्राथमिकता यह है कि अगर आप 100% श्योर है कि रन नहीं है तब तुरंत मना कर दें, क्योंकि क्रिकेट में ये नियम है दोस्तों, ये रूल है, कोच आपको यही सिखाता है। मैं जब सीखा तब की बात आपको बता रहा हूं, अगर डेंजर जोन पे आपके साथी पहुंचना है, अगर उसका जो कॉल है उसका अगर आप मान कर लें ठीक है, लेकिन अगर डेंजर जोन पे आपको आना है तो आप मना कर दें। शायद इस दफा डेंजर जोन राजा का था और उन्होंने इस दफा हाँ कहा, तो यहां पर तो बड़ा नुकसान हुआ। संदीप का यस था तो आपका यस कैसे होना चाहिए था राजा, अगर आपको डेंजर जोन में आता। खैर रितेश वॉरियर्स, बहुत सही शुरुआत उनकी टीम के लिए, सतीश जी अधिकारी की टीम के लिए। 26 रन, तीसरा बल्लेबाज आउट, राजा गए। विकेट तीसरे ओवर में तीसरा गिरता हुआ, और इसलिए अब आप देखेंगे कि एक नन्हा मुन्हा लेकिन अपार प्रतिभा का धनी खिलाड़ी जेडी आता हुआ मैदान पर। दोस्तों कहते हैं ना कि अपने जज्बे में वफा और दिल में खुमारी रखिए, जिस्म हल्का ही सही लेकिन सोच को भारी रखिए। मतलब जिस्म हल्का ही सही क्यों ना, लेकिन सोच आ रहा है लोग, मैं भी यही कहने जा रहा था और आपने भी वही कह दिया, तो यार अपने जज्बे में जीते वफा और दिल में खुमारी रखिए। ये बहुत ही शानदार है और इतने जल्दी इन्होंने इतना नाम कमाया कि फिर क्या कहने इनके बारे में। बहुत जल्दी आए, तारे की तरह छाए, और अब कह अगर यूं कहूं कि आकाश में ध्रुव मंडल में जाके ध्रुव तारे की तरह स्थापित हो गए हैं तो शायद गलत ना होगा। और मैं बातें कर रहा था मुन्ना भाई पठान से कि यहां से कुछ लोग निकले जाएं महाराष्ट्र मुंबई की टॉप टीमों के साथ खेलें, तो उन्होंने कहा कि आलोक भाई अब ये खिलाड़ी है हमारा जो हमारे पूरे तालुका का नाम रोशन कर रहा है, ये जाके सभी बड़े बड़े टूर्नामेंट में जहाँ पे सभी ओपन टूर्नामेंट ओपन टीमें आ रही वहाँ पर खेल रहे हैं, जेडी आ रहे हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, स्ट्राइक पर वो हैं। फजल की ओवर की गेंदें हो चुकी हैं तीन, जेडी ऑन स्ट्राइक। और जेडी कल परसों में ही जो मुंबई में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है उसमें एक टीम के हिस्सेदार भी रहे, मराठा पंजाब, जो टीम अब अगले पड़ाव में पहुंच भी चुकी है। हालांकि प्लेइंग 11 में चांस भले ही ना मिला हो, लेकिन बड़ी टीमों के हिस्सेदार होने की वजह से एक्सपीरियंस उन्हें मिलना शुरू हो गया है। वाइड का इशारा, वाइड प्लस वन, दो रन पिछली गेंद पर मिला। किसी को अगर बेंच पर बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा तो ऐसे बहुत कम लकी क्रिकेटर हैं कि जिनको पदार्पण करते हुए ही बड़ी टीमों में चांस मिल गया, ज्यादातर को इंतजार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहले आप हिस्सा बन गए हैं, इसी बड़ी टीम का शुरुआत हुई है, कारवां तो अपने आप जुड़ेगा, वो दिन भी आएंगे, वो वक्त भी आएगा कि जहां पर हम इस खिलाड़ी को टीम में खेलते हुए भी देखेंगे और बहुत आनंदित होंगे। अच्छा क्रिकेट आप देखें, हालात अब ऐसे ही है कि एक तरफ संदीप हैं, दूसरी तरफ जेडी हैं, एक तरफ इतना ज्यादा अनुभव, दूसरी तरफ एक युवा खिलाड़ी जोश, तो मजा आएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन के, दाहिने और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन चलता हुआ इनकी टीम के लिए। श्रद्धा इंडियंस इन दोनों के साथ बढ़कर पहुंचती हुई 30 रनों पर। और श्रद्धा इंडियंस का जो एक चिंता का विषय पिछले 3 ओवर से रहा वो ये है कि हर एक ओवर में एक विकेट गिर गया है। पहले ओवर में भी एक विकेट गिरा, दूसरे ओवर में भी एक, और तीसरे ओवर में भी एक विकेट गिरता हुआ नजर आया। अब देखना यह है कि ये दो बल्लेबाज जो एक तरफ संदीप हैं तो वहीं दूसरी तरफ जेडी हैं, इस विकेटों के सिलसिले पर रोक लगाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं। तीसरा ओवर चलता है और रन संख्या 31, तीन ओवर समाप्त हुए हैं, तीन ओवर की समाप्ति पर 31 रन,
तीन विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर समाप्त या नहीं, एक लास्ट बॉल टू आईबे का बटन, लास्ट बॉल टू यस। Here ends over number third with the help of that single. जब चौथे ओवर की शुरुआत होगी तो फिर से आएंगे संदीप निमसे स्ट्राइक पर, रन संख्या 32 रन, 32 रन तीन ओवर की समाप्ति के बाद। रात काफी हो चुकी है और इसलिए कोशिश ये करेंगे कि जो लोग सो रहे हैं हमारी आवाज से आप सभी को कोई भी परेशानी ना आए, तो थोड़ा सा हल्का लहजा होगा, या जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर जो खेल को, जो क्रिकेट को जो पसंद किया जाता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सभी जेंटलमैन ही पसंद करते हैं, सभी जेंट्स ही पसंद करते हैं, बल्कि लेडीज भी, गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं क्रिकेट को, सभी बहुत प्यार करती हैं, तो वो सभी भी घर में लाइव कवरेज देख रही होंगी। अब वो इसलिए भी ना, क्योंकि किसी का कोई भाई तो किसी का कोई पति तो किसी के देवर, तो कोई ना कोई रिश्ता भी सभी खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए तो लोग देख रहे होंगे। अब बहुत लोगों को, हाँ समझने वाले आप सभी समझ जाए, जहां जहां तक आप मुझे समझ सकते हैं। तीन ओवर 32 रन, तीन विकेट के नुकसान पर संदीप और जेडी। संदीप उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें आप किसी भी समय मैदान पर भेज दे वो अच्छा खेल कर ही आएंगे। वो कहते हैं ना कि अच्छा एक बल्लेबाज या एक अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो रात को 3 बजे गहरी नींद में सो रहा हो और आप उसे जाकर झकझोर कर उठाएं और उसे लाकर मैदान पर खड़ा कर दें, फिर भी वो अच्छा परफॉर्म करे। संदीप उन खिलाड़ियों में से एक। देखना आज जब रात के 2 बजे ही ये मुकाबला चल रहा है, 3 ओवर में 32 रन बनाने में कामयाब हुई है श्रद्धा इंडियंस की टीम, लेकिन 3 विकेट गिरे हैं, तो इस मोड़ से अगले आने वाले 5 ओवर तक संदीप और जेडी के बल्ले से क्या रंग बिखरते हैं मैदान पर। पता था कि मैंने क्या खेला है और शायद ये भी पता था कि वहां पे 2 रन है, तो आसानी से निकले, रिस्पांस तो जेडी के थ्रू आना ही था और बहुत कंफर्टेबली 2 रन कंप्लीट हुए। ओवर की शुरुआत हुई है चौथे गेंदबाजी के लिए इस ओवर में आए हैं योगेश, परिवर्तन नजर आता हुआ, फजल ने 2 ओवर डाले, 1 ओवर प्रमोद ने किया और अब योगेश के रूप में नया गेंदबाज। क्या इनफ है या नहीं, राकेश है वहां पर और पकड़ा गया कैच उसको, ये बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि इनसे आप नहीं उम्मीद कर सकते थे कि ये शायद इतने जल्दी इतनी आसानी से अपना विकेट दे देंगे। फुल लेंथ की गेंद थी, थोड़ा सा ऐसा लगा कि बहुत गेंद की जैसे ही पिच पड़ी, जहां पर गेंद पड़ी वहीं से उसको उठाना चाहते थे, आउट हुए। अब ये आउट होना कितना फायदेमंद सिद्ध होगा रितेश वॉरियर्स के लिए या फिर जो ये खिलाड़ी आ रहा है, ये खतरे की झंडी। श्रावण आते हुए बल्लेबाजी के लिए, अपने धुन में रहता हूं मैं भी, मैं सिर्फ मेरे जैसा हूं, एक गजल की एक लाइन है और ये तो ऐसे हैं कि सिर्फ अपना धुन, अपना खेल, अपना काम। चौतीस रन, 4 विकेट, चौथा ओवर चलता हुआ, वो जो सिलसिला शुरू हुआ था पहले ओवर से हर एक ओवर में 1 विकेट का, वो इस ओवर में भी बरकरार। अगर आप देखें तो एक एंड पे बाएं हाथ का एक नन्हा मुन्ना सा खिलाड़ी नजर आता है और दूसरे एंड पे अगर देखें तो ये उनके डबल लगते हैं, श्रावण। उपलब्धियां कभी भी उम्र की मोहताज नहीं होती, ये बात मैं मुन्ना पठान जी के लिए कहता हूं और यही बात मैं इस केडी के लिए भी कहता हूं, या जितने भी युवा क्रिकेटर्स खेले इस टूर्नामेंट में उन सभी के लिए। 1 रन के लिए गेंद गई डिक्लेयर जोन में और अब श्रावण आया स्ट्राइक पर। याद रखें, नाम बनाना आसान है लेकिन नाम को बरकरार रखना, यहां पर बात मुश्किल हो जाती है।
35 रन के बल्ले से निकला वो एक रन, उस सिंगल की मदद से टोटल स्कोर 35 पर पहुंचा। काफी एक्टिव है विकेटों के दरमियान आप जेडी की अगर बल्लेबाजी पर नजरें डालें, विकेटों के दरमियान उनकी रनिंग पर नजरें डालें। और अब स्ट्राइकिंग एंड पर श्रावण एक रन की कोशिश है और जेडी के एंड पर थ्रो नहीं हुआ, श्रावण के एंड पर थ्रो किया गया। ये देखते हुए कि जेडी पहले से ही निकल चुके हैं और आसानी से एक रन मुकम्मल कर लेंगे जेडी, इसलिए अब दूसरे एंड पर जो गेंदबाजी का एंड है वहां थ्रो हुआ और तब तक श्रावण भी पहुंच चुके थे। एक छोटा नन्हा सा नजर आने वाला खिलाड़ी, अब बार बार बात करते हैं आलोक सचिन रमेश तेंदुलकर जब 1989 में पहुंचे पाकिस्तान में, तब उन्हें देखकर कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में उनके ऊपर कमेंट्स भी किए, लेकिन कहते ना कि किसी भी इंसान को अगर आप छोटा देख रहे हैं तो इसकी दो वजूहत हो सकती हैं, दो वजह हो सकती है। गेंदें इस ओवर की टोटल हुई हैं 5, लास्ट बॉल टू गो। कोई भी इंसान अगर आपको छोटा दिख रहा है तो इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह, या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या फिर आप उसे बहुत गुरूर से देख रहे हैं। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, थ्रो आया था जेडी के एंड पे नहीं, श्रावण के एंड पे, एक रन के लिए गेंद गई डिक्लेयर जोन पे दो रन के लिए। इन दो रनों को आप टोटल में ऐड करें तो स्कोर बढ़कर पहुंचता है 39 रनों पे और इसके साथ ही कंप्लीट होते हैं ओवर 4। शख्सियत अच्छी होगी तो ही दुश्मन भी बनेंगे, शख्सियत आपकी जितनी ज्यादा अच्छी उतने ज्यादा आपके दुश्मन, जितना आप अपने आप को बनाएंगे लोग उतने ज्यादा आपको निशाने पर लेंगे। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सचिन के चाहने वाले अगर लाखों थे तो कुछ ऐसे चुनिंदा लोग भी थे जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां उनमें निकाल लेते थे। सही कहा, ऊपर वाले ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, तो ये दुनिया है दोस्तों, उंगलियां उठेंगी आपके ऊपर हर एक अच्छे काम पर, लेकिन कोशिश ये करें, मैंने से पहले कहा था किसी चीज का रेशियो कितना ज्यादा है। शख्सियत अच्छी होगी तो उंगलियां भी उठेंगी तुम पर, वरना यूं नाकाम और बेकाम लोगों को पूछता ही कौन है। 4 ओवर समाप्त हुए 39 for 4। समीर अब आते हुए गेंदबाजी के लिए, आलोक दादा, कैलाश दादा, कामेश दादा, कल परसों के इनके साथ मैं जब ढाबे पे गए हम लोग, तो इस नन्हे मुन्ने युवा बच्चे ने बहुत ज़्यादा अपनापन फील करवाया। ये एकदम भाई की नज़र से देख रहे थे और उसके बाद से मैं अब मैंने जब जब देखता हूँ तब तब इनको लेके ऐसा लगता है कि भाई से हैं भी मेरे। समीर के हाथों में गेंद है और ये जैसे हैं वैसे जेडी भी सामने, दो युवा खिलाड़ी हैं। जेडी ने हालांकि नाम ज्यादा कमा लिया और आप भी नाम कमाएंगे समीर, वाह क्या बात है, वेरी वेल डन। कितनी सही गेंद की इन्होंने पहली गेंद, सही क्षेत्र में टप्पा कराते हैं। और मुझे पता नहीं कि क्रिकेट के 1990 के दशक के खिलाड़ियों से लोग कितने परिचित हैं यहाँ पर, लेकिन साउथ अफ्रीका के वो एक कैप्टन जो एक दुखद दुर्घटना में जिनका देहांत हुआ, हेंसी क्रोनिया जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन भी रहे थे, वो एक ऐसे गेंदबाज थे, ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी गेंदों में बहुत ज़्यादा रफ्तार नहीं था, धीमी गति की गेंद करते थे, मध्यम तेज गति की गेंदबाजी करते थे, सिर्फ और सिर्फ सही क्षेत्र में गेंदों को डिलीवर करते थे। इनकी गेंदबाजी को देखकर मुझे हेंसी क्रोनी की याद आ गई, एक बार 10 ओवर में 19 रन देकर हेंसी क्रोनी ने 4 विकेट चटकाए थे। क्रिस हैरिस न्यूजीलैंड के थे अरमान, उनका अगर आप एक्शन देखेंगे तो उनका भी जो इसमें डाल रहे हैं लगभग इतने रन अप और एक्शन भी वैसा। क्रिस हैरिस या क्रिस केन्स? नहीं, क्रिस केन्स नहीं, हैरिस, हैरिस का पहला नाम हो सकता है, मैं शायद मैं भटक रहा हूं, लेकिन हैरिस हवा में है कि लो फुल टॉस है, शायद इन्होंने मौका बना दिया यहां पर। जी हां, आउट हुए, सन्नाटा पसरा, शेर हुआ ढेर, सस्ते में हुआ ढेर,
श्रावण चलते बने। और अगर आप जेडी की फेस को देखें, अगर कैमरामैन, मुझे पता नहीं कि उनके रिएक्शन को कैद किया गया नहीं, तो आउट ये जितने हुए उतने निराश नहीं होंगे, उससे ज्यादा जेडी निराश हुए, क्यों जेडी तो इनका साथ देते थे। अगर श्रावण आप टिके रहते तो वो तो ऐसे थे कि हर गेंद पे आपको सिंगल निकाल के देते थे। लो फुल टॉस गेंदे इसके लिए कहते हैं, इतनी आसान नहीं होती बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना, ताकतवर आप बहुत है, उसके लिए जरूरी है कनेक्शन भी थोड़ा बेहतरीन हो। शायद बल्ले के एकदम नीचे गेंद लगी और वजह यही रही कि एलिवेशन नहीं मिला, जो दूरी चाहिए थी वो नहीं मिली, और बहुत बड़ी सफलता दिलाई है समीर ने। क्या बात है समीर, श्रद्धा इंडियंस 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर, पांचवा ओवर चलता हुआ। आदत कोई भी हो, अगर वो अमल बन जाती है तो निश्चित ही बहुत दुख देती है। 5 विकेट का गिरना हर ओवर में, एक एक विकेट, वही बात जो बार बार मेरे जहन में आ ही जा रही है। इसकी वजह भी साफ है कि हर ओवर में हमने एक एक विकेट देखा। एक अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग। किशोर थे वहां पर और इन्होंने तो अचंभे में डाल दिया होगा बल्लेबाज जेडी को कि इन्होंने गेंद रोक भी लिया और गिरते गिरते इन्होंने थ्रो भी कर दिया। वेल डन किशोर। और बहुत सारे लोग जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी अच्छी फील्डिंग किशोर से हो जाएगी, वो तो स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित हो गए होंगे वो सभी लोग। लेकिन आज रितेश वॉरियर्स ने जिस तरह से परेशान किया है श्रद्धा इंडियंस को, वाकई इस मैच में अब तक जो पकड़ है, जो गिरफ्त है, वो रितेश वॉरियर्स की मजबूत नजर आती हुई। मेरे सबसे छोटे मामा, जिनसे बहुत कुछ सीखने मिला, मुझे पता नहीं कि मैं उनके कितनी अच्छी खूबियां अपने अंदर उतार पाया, लेकिन एक बात जो हमेशा कहते थे कि आलोक खतरा होता है घर को घर के ही चिरागों से। घर के ही दोनों टीम है। श्रद्धा इंडियंस को शायद इतनी परेशानी में बहुत कम हम देखते हैं, लेकिन रितेश वॉरियर्स सामने है, आनंद जी अधिकारी की ये टीम श्रद्धा इंडियंस। अब रितेश वॉरियर्स की अच्छी खेल, बहुत अनुशासित खेल खेले हैं और डिसिप्लिन, तो मैं हमेशा ऐसी बात है जो कहता रहता हूँ, हालांकि मैं शायद उसको इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता डिसिप्लिन को जो करना चाहिए, लेकिन शासन वही करता है दोस्तों जो अनुशासन पालता है। स्कूल में आप जाएं आपको सभ्यता सिखाई जाएगी, किसी भी गुरुकुल में आप जाएं जो पुराने जमाने में था वहाँ पे पहले सभ्यता सिखाई जाएगी, अगर आप फौजी में जाते हैं फौज के लिए जाते हैं तो भी वहाँ पे सभ्यता सिखाई जाएगी। डिसिप्लिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। बहुत मजा आया समीर आपकी गेंदबाजी को देखते हुए, उम्मीद करता हूँ कि कोई इस टूर्नामेंट के साथ अपने तालुका के साथ साथ वो दिन भी आएगा जब मैं आपको मुंबई की किसी टीम में खेलते हुए देखूंगा। वेल डन। ओवर समाप्त हुए पांच ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 42 या 43, बिकॉज़ यहां पर 43 डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज कंफर्म कर दें। कामेश को अब लग रहा है थोड़ी थोड़ी नींद सता रही है, क्योंकि डेली तो हो गया ना टाइम, 2:15 ये टाइम हम पैकअप कर लेते थे, आज तो अभी पहले इनिंग चल रही है, तो आप सोचें कि इसके बाद कामेश आपको 3 ओवर और 8 ओवर और 11 ओवर हमारे साथ जुड़े रहना है। और उसके बाद आज कामेश पार्टी भी तो दे रहे हैं, उनके बर्थडे पार्टी। अरे सॉरी मैं तो भूल गया था, कामेश यार आप मेरे पास आए हो, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। भाभी मैच को देख रही या नहीं, इस टूर्नामेंट को तो देख रहे होंगे शायद, अगर हाँ कामेश कह रहे हैं कि हाँ पूरे टूर्नामेंट को देखा जा रहा है, सभी सपोर्ट कर रहे हैं। 43 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, ड्रिंक्स ब्रेक चलता हुआ, खिलाड़ी सभी पानी पीते हुए। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप और हम यहाँ पर बैठे रहते हैं तब पानी की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर तो ऐसा है कि डिहाइड्रेशन जो है वो उसका खतरा हमेशा मंडराते रहता है, इसलिए आप देखेंगे पानी बहुत जरूरी है। अभिजीत लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए पानी, और शायद इस पानी के साथ कुछ मैसेज भी आया होगा, क्योंकि सीनियर हैं, अनुभवी हैं, और कुछ बातें चल रही होंगी कि यहाँ से आगे कैसे चलना है। इस ड्रिंक्स ब्रेक को स्ट्रैटेजिक
ब्रेक भी कहा जाता है कि आप यहां से फिर से रिप्लान कर सके कुछ अगर खामियां हैं। पिछले मैच में भी आलोक पांचवे ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, और इस मैच में भी पांचवे ओवर के बाद क्या हम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट और ड्रिंक्स ब्रेक को शिफ्ट कर रहे हैं चौथे ओवर के समाप्ति के बजाय पांचवे ओवर पे? उसकी वजह एक ये है कि ये माना गया कि जब आप इनिंग की शुरुआत करते हैं तो उसके बाद आप फ्रेश ही जाते हैं, पानी वानी पी कर ही जाते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, अभी कुछ समय पहले ऐसा हुआ कि चार ओवर्स की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स ब्रेक लेने में थोड़ा सा देरी हुई, तो उसके बाद ये कहा गया कि चलिए पाँच ओवर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद करते हैं, तो तब से ऐसा हो रहा है कि पाँच ओवर के बाद ही कर रहे हैं। और जी हाँ, एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि पाँच ओवर्स जब आप खेलते हैं तो उसके पहले आप एकदम फ्रेश जाते हैं, पानी वानी पी कर जाते हैं मैदान में, तो फिर काफ़ी हैं आपके लिए तीन ओवर्स और खेलने, फिर उसके बाद आके फिर से आपको पानी पीना है, तो अच्छा है, ठीक, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। चार ओवर पांच ओवर बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कैलाश भी आए थे अंदर, और शायद अभिजीत ने जो कहा होगा कैलाश ने भी वही कहा होगा, क्योंकि पूरे टीम एक साथ खेलती है, अभिजीत कैलाश ये सब काफ़ी लंबे समय से एक साथ में खेल रहे हैं, तो मैसेज तो वही गया होगा कि जेडी आपको क्या करना है और नीलेश आपको क्या करना है। जेडी एक छोर पर तैनात तो है पिछले कुछ समय से, लेकिन रन्स जो शुरुआती ओवर्स में जिस रफ्तार से निकल रहे थे, जो अब धीमे पड़ गए हैं, वजह साफ है कि पांच विकेटों का नुकसान हुआ है श्रद्धा इंडियंस की टीम को। यहां पर जरिया बनना होगा किसी भी एक खिलाड़ी को अपने टीम को अच्छे पोजिशन तक पहुंचाने में, एक न एक बल्लेबाज को ये बेड़ा अपने कंधों पर तो लेना ही होगा। वाइड का इशारा आया एम्पायर की तरफ से, अरे बेड़ा से याद आया आलोक, 23 और 24 तारीख को बेड़ा कमेंट्री के लिए जाना है। आर यू देयर? ये फोन आया था आज। शाहपुर प्रीमियर लीग एक बेहतरीन टूर्नामेंट चल रहा है, और अगले सैटरडे संडे, वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आया, हम दोनों इंशाल्लाह बेड़ा में कॉमेंट्री करेंगे। 37 आप कंफर्म नहीं लग रहे हो मुझे इस बात पर, नजर डालते हैं मैदान पर। सतीश भाई को पसीने छूटेंगे इस समय रात में भी, वो अपने अगर एसी में छूट सोए होंगे, और अगर उन्हें पता चला कि मैं नहीं आ रहा हूँ तो कंफर्म है कि पसीने छूटेंगे, और सुबह न जाने कितने कॉल आएंगे। अभी तक मैंने उनको ना नहीं कहा है, और मनीष भाई को समझा दिया गया है कि क्या है, ऐसी दिक्कतें हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। प्रॉब्लम ये है कि उनकी किसी भी इवेंट में मैं नहीं पहुंच पाया, जब इसके पहले अंडराम था तो वहां पर भी नहीं पहुंच पाया, और नहीं पहुंच पाया। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम चलते हैं इस समय हमारे लाइव मैच के साथ, 45 शाहपुर प्रीमियर लीग। अंडराम ऐसा होता है कामेश कि मैं वहां का वीडियो और फोटो अगर आपको भेजूं तो शायद आपको किसी इंटरनेशनल मैच से कम ना लगे। सेंट्रल रेलवे का ग्राउंड है, वहाँ पे वॉलीबॉल का वो इनसाइड उन्होंने कोर्ट बनाया हुआ है, और उसके अंदर पूरी कालीन बिछी है, बहुत हाइट है, बहुत खूबसूरत है। चीयर लीडर मंगाई जाती हैं, शालीन लेडी एंकर मंगाई जाती हैं, और बहुत ही ऑसम एटमॉस्फियर हो जाता है। तो ऐसा था कि जिनका उन्होंने नाम लिया उनका भी इवेंट ऐसा पहले था, और मैंने क्या करें, व्यस्तता ऐसी है कि शाह के भी नहीं जा सकते। नो बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से, और अतिरिक्त के सहारे रन भी मिलेगा एक, साथ ही साथ फ्री हिट का भी इशारा आता हुआ। जेडी सामना करेंगे फ्री हिट की गेंद का। इन्हें समझना होगा कि वक्त तो चलिए ठीक है खड़े हैं, लेकिन अब इनका वो रोल खत्म हो गया, अब इनके ऊपर दूसरा सवाल उठता है कि अब तो आर या पार। डगआउट में थोड़ा सा चिंता है, अब आप देखेंगे अब थोड़ा सा खिलाड़ी बड़ी टीम अब थोड़ा सा टेंशन नजर आता हुआ श्रद्धा इंडियन के खेमे में। ओहो, प्लेयर है वहां पर और पकड़े गए, क्या हुआ? फ्री हिट की बॉल थी तो इतना दिक्कत तो नहीं आना था, लेकिन इन्होंने गेंद को वहां तक पहुंचाया, मैं यही देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि इतना दूर इन्होंने मारा, और सभी कह रहे हैं कि कामेश मयूरेश वहां से कि आलोक को पार भी करते हैं आसानी से, और आधा ही बैट घुमा था इनका मयूरेश, अगर आपने देखा होगा तो शायद
पूरा घुमा पाते, फ्लो करते तो बाहर भी मारते थे। हैं इनमें खूबियां हैं और शायद इसी वजह से इनकी चर्चा इतनी ज्यादा हम करते हैं। बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कुछ बात होती है। दो रन मिले इस बार, फिर से आगे निकले थे। वाकई खूबियां इस खिलाड़ी में निश्चित ही हैं। दो रन और खाते में जुड़ा उस स्ट्रोक के मदद से, उसके बाद ये डॉट गेन। मयूरेश आपने बहुत सही सवाल उठाया, मेरे तो दिमाग में नहीं आया वो बात, और कैसे मैं बोला इनको। दो गेंदें बाकी हैं सर, रन संख्या पर नजर डालें तो वो है 51 रन। बहुत अच्छा स्टॉप, बहुत शानदार फील्डिंग कर रहे हैं, और इस बात को रितेश वॉरियर्स की टीम ने समझा है कि गेंद की पिच तक पूरा जाना है, स्टॉप करना है, या तो पीछे इतना रहना है कि टप्पा उनके सर के ऊपर ना जाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई सभी प्लेयर्स के लिए। और मयूरेश आपने बहुत सही कहा कि पॉप नहीं है स्टंप के पीछे, नहीं तो हमेशा हम देखते हैं कि विकेट कीपिंग वो करते हैं। अब उनकी अनुपस्थिति में इस समय विकेट कीपिंग कर रहे हैं विकेट कीपर इस समय सुजय हैं। पॉप पता नहीं कि किन वजहों की वजह से है नहीं। बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग करते हैं, हालांकि सुजय भी बहुत अच्छा काम करते हुए विकेट के पीछे। और ओवर कंप्लीट हुआ 6 ओवर के बाद 55 रन, 55 रन बने हैं। अब ये 12 गेंदें इम्तिहान होंगी, और अगर अब यहां पर इसी तरह की खामोशी रही तो याद रखें श्रद्धा इंडियंस, खामोश मिजाजी तुम्हें इस जहां में जीने नहीं देगी। इस दौर में रहना है तो कोहराम मचाओ। अब 12 पे अब जितने रन बने उतने कम होंगे, 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यह पहला ओवर ऐसा समाप्त हुआ जिसमें कोई भी विकेट नहीं गिरा, और अब शायद पावर प्ले भी लिया जाए। 2 ओवर का खेल बचा है। अच्छी बात जो रितेश वॉरियर्स की नजर आई वो उनकी फील्डिंग, उन्होंने रन्स रुकाए, रन्स बचाए, और अंग्रेजी में कहावत भी है ना कि अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। आप जितना पैसा बचाते हैं is nothing but what you earn, जो आप कमाते हैं। क्रिकेट के खेल को अगर ध्यान में रखकर इस बात को कहा जाए तो a run saved is a run earned। एक जो रन आप बचाते हैं फील्डिंग करते हुए, वो रन आप अपने बल्लेबाजी में बना रहे हैं, ऐसा सोच ले। और जब मोहम्मद कैफ भारतीय टीम के लिए खेलते थे, उनकी बल्लेबाजी हमेशा से ही एक क्वेश्चन मार्क रही थी, लेकिन उस समय के कोच ने भारतीय टीम को सिर्फ यही कहा कि जितना ये रन्स बचाता है अपने फील्डिंग में, वो सभी रन्स इनकी बैटिंग में आप ऐड कर दें। बहुत ही लाजवाब फील्डर थे, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो और युवराज सिंह जब पॉइंट और कवर पे खड़े रहते थे तो क्या मजा आता था उनकी फील्डिंग देखने में। मोहम्मद कैफ एक एंड पे, युवराज दूसरे एंड पे, सुरेश रैना भी आ गए, सोने पे सुहागा हो गया, और ये सब जब फील्डर आए तो यहीं से कामेश हमारी भारतीय फील्डिंग बहुत ज़्यादा सुधरी। युवराज के बहुत सारे कैचेस, मोहम्मद कैफ के बहुत सारे कैचेस, सुरेश रैना, और आज के दौर में तो आप देखें क्या फील्डिंग लाइनअप है। हवा में पहला सिक्सर निकला, और ये निकला बल्लेबाज नीलेश के बल्ले से। जरूरत था, और शायद यही उम्मीद कर रहे थे कि जब अभी 12 गेंदें बची हैं तो अब यहां पर बातें हवाओं से होंगी। और आलोक, आपने युवराज सिंह के कैचेस की बात की, हम आपके घर पे बैठकर दक्षिण अफ्रीका और भारत का मैच देख रहे थे, जॉन्टी रूट्स का कैच युवराज सिंह ने फाइन लेग के क्षेत्र में दौड़ कर फिर छलांग लगाते हुए पकड़ा था, वहीं से पूरा मैच बदल गया था। सभी लोग थे, आपके बड़े भाई थे, आप थे, मेरे डैड थे, मैं था, सभी लोग उस मैच को, 55 छोटे थे हम काफ़ी, लेकिन अभी तो कोई यादें ताजा हैं। और युवराज मुझे बहुत पसंद थे, अभी भी बहुत पसंद है, तो आने ही बहुत मजा आया मुझे इन सभी भारतीय खिलाड़ियों को देखते हुए। 1 रन मिले हैं सिक्सर के बाद। नीलेश अब नॉन स्ट्राइक एंड पे, जेडी हैं स्ट्राइक एंड पे, और लाजिम सी बात है कि ऑन साइड के फील्ड को ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। और कामेश धीरे से इशारा करते हुए कि ये तो 360 डिग्री के बल्लेबाज हैं, आलोक भाई हर एक एंड पे खेलते हैं। हाँ मयूरेश, ये 360 डिग्री के हैं, जेडी या नीलेश, दोनों
अब यहाँ से कामेश्वर कहते हुए कि सभी जगह खेलते हैं तो हो गए 360 के। अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स हैं, एबीडी है, जो 360 की डिग्री बल्लेबाज सच में आप कह सकते हैं उनको, कोई ऐसा एंडी नहीं है ग्राउंड का जहां पे ना खेलते हो। क्या दो रन या एक, एक से ही खुश नजर आते हुए। और हालिया जो आईपीएल चल रहा है आलोक, उसमें अगर किसी भारतीय नए खिलाड़ी की तुलना एबी डिविलियर्स के 360 डिग्री के अंदाज में बल्लेबाजी से की जा रही है तो वो है सरफराज। जिस तरह से उन्होंने एक मैच में 35 रन बनाए 14 गेंदों में आइटिंग, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और ज्यादातर स्ट्रोक उस अंदाज में खेले जिस अंदाज को इनोवेट किया एबी डिविलियर्स ने। निलेश बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक सिक्सर लगाया इन्होंने। शुरुआती कुछ समय तक खामोश थे निलेश जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, लेकिन कहते हैं ना कि लहरों को खामोश देखकर ये ना समझो कि दरिया में रवानी नहीं है, हम जब भी उतरेंगे तूफान की तरह बरसेंगे, बस ये सोच लो कि अब तक हमने बरसने की ठानी नहीं है, जब एक बार बरसना शुरू कर देंगे तो निश्चित ही रनों की बूंदाबांदी नहीं, रनों की बारिश नहीं, रनों की सुनामी मैदान पर आ जाएगी। सुनामी। और श्रद्धा इंडियन के जो समर्थक हैं वो हर एक मैच में इसी उम्मीद के साथ श्रद्धा इंडियंस की बल्लेबाजी को देखते हैं कि 10-12 रन तो उनके बाएं हाथ का खेल है पर ओवर बल्लेबाजी करना, कम से कम 15-16 इस तरह से बल्लेबाजी की उम्मीद लेकर आते हैं श्रद्धा इंडियंस के सभी समर्थक। इस समय रन संख्या लगभग 9 के आसपास चलती हुई। अच्छा स्ट्रोक, अच्छा गुड लुकिंग कवर ड्राइव। जी हाँ जावेद, आपने बिल्कुल सही कहा कि नहीं नहीं इसमें मतलब ऐसी बात नहीं, मैं खुद अपने भी व्यू से कह रहा हूं। आउट हुए जेडी और आप सभी ने देखा कि क्या नजारा हुआ, और अब एक ऐसा बादल कहते हैं आता हुआ मैदान पर कि इनकी भी तुलना उन बल्लेबाजों में की जाती है कि जिनका ऐसा है कि बहुत ही गर्म है, सिर्फ उसी तरह से बल्लेबाजी करते हैं और बहुत दूर दूर हिट करते हैं गेंदों को। 66 रन। और पिछले 2-3 दिनों से आलोक, जब भी हम रात के समय कहीं पर डिनर कर रहे हैं तो इस बल्लेबाज के बारे में बहुत बातें की जा रही हैं कि अगर ये बल्लेबाज अपने दिन पर हो तो हर एक गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने की क्षमता रखता है। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कह देना चाहूंगा आलोक कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने तो आज तक इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी का तूफान नहीं देखा है। उम्मीद यह है कि आखिरी 6 गेंदों में से कुछ गेंदों में उनकी बल्लेबाजी का तूफान हमें देखने को मिलेगा। छाछठ रन है, बांधे रखा गया, अनुशासित खेल दिखाया गया। कैचेस आपने क्या एक भी देखे जो ड्रॉप हुए, शायद एक कैच भी ड्रॉप नहीं हुआ। तो जितने भी बार गेंद हवा में गई कोई ना कोई खिल्डर वहां पर मौजूद था जो बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद गिरी उसको पकड़ने के लिए, जो बाहर गए तो बाहर गए हैं कितने, आप उनको तो उंगलियों पर गिन लें जो सिक्सर लगे हैं इस मैच में। कामेश मुझे बताते हुए कि कितने सिक्सर इस मैच में लगे, मेरे शायद दो ही लगे, और एक कैलाश के बल्ले से और दूसरा निलेश के बल्ले से। बराबर। तो आलम ये रहा है कि आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा लें नतीजों का अभी तक, और स्कोर भी 2 सिक्सर ही दिखा रहा है, 66। विजय अब जब आए हैं तो दबाव तो होगा यहाँ पे रितेश वॉरियर्स की टीम के ऊपर कि इस ओवर को भी अच्छा खेलना है। निलेश स्ट्राइक पर, ओहो ये तो शायद रुके ही ना ग्राउंड के बाहर, सिक्सर का इशारा आता हुआ। और अच्छी बात यह रही कि दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद जाकर गिरी, अगर फील्डर के आसपास होती तो शायद कैच हो जाती। गैप में खेला गया स्ट्रोक, 66+6 72 in 7.1। बहत्तर रन 5 गेंदे इस इनिंग की फेंकी जानी बाकी। शाहपुर प्रीमियर लीग
2016 में टीम आमने सामने है श्रद्धा इंडियंस और रितेश वॉरियर्स। शाहपुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से प्रस्तुत किया गया ये शाहपुर प्रीमियर लीग। वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से और पता चल गया था ये बात नीलेश को कि कंफर्म वाइट है। गेंदबाजी के लिए रितेश वॉरियर्स की टीम की तरफ से इस समय गेंदबाजी करते हुए प्रफुल्ल। एक और वाइड गेंद। अब आप देखें हुआ क्या कि यह है दबाव का प्रभाव। पहली बॉल पर सिक्सर लगा और उसके बाद पता था प्रफुल्ल को कि मैंने गेंद कहां पर की थी, तो अब कोशिश यह है कि इनकी पहुंच से दूर रखा जाए, लेकिन ज्यादा दूर हो रही है। प्रफुल्ल डरे ना, अब कभी भी गेंदबाज के रूप में आप इस तरह से तो दिल में बात ही ना रखें। आप अपना काम करें, गेंद अच्छी डालने की कोशिश करें, बाकी के काम तो छोड़ दें आप। जी हाँ, कुछ इस तरह से। ओ, इतना सिंपल कैच ड्रॉप हुआ। अगर तो शायद ये कोई छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा होता तो वो भी मतलब पकड़ लेता। आज हम देखते हैं हम छोटे बच्चों गेंद हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन ये होता है दोस्तों क्रिकेट के मैदान पर। खेल तो ऐसा है कि इसमें कहते हैं कि ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा। एक आसान सा मौका वहां पर बन गया था कि नीलेश को पवेलियन की राह दिखाई जाए, लेकिन गेंदबाज खुद जरिया बन गए उस बल्लेबाज को जीवनदान देने का। कहते ना कि दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान है, लेकिन जरिया बनकर अगर किसी को बचा लो तो बात बने। यहां पर आप खेल में कैसे किसी को बचाएंगे? अपनी टीम को बचाते हुए नीलेश दो सिक्सर उनके बल्ले से निकले हैं और वो जरिया बन रहे हैं एक अच्छे स्कोर की तरफ अपनी टीम के कुल रनों को लेकर जाने में। दया शून्य है ये खेल। दोनों भाइयों ने भी कहा कि ठीक है हम भाई हैं, वो मैदान के बाहर। यहाँ पर तो हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। किनारा लगा और आउट हुए बल्लेबाज विजय एक बार फिर से। और अकाउंट तक ओपन नहीं हुआ, खाता तक नहीं खुला। ऐसा लगा मानो इस बल्ले में जो कभी तलवार की तरह चलता था उसमें जंग लग गई है, जंग लग गई। और मयूरेश भी शायद ये कहते हुए कि महेश जी का अनाउंसमेंट ये है कि चार लगातार चौकों पर, चार लगातार सिक्सर पर 1000-1000 रुपीज का इनाम। और महेश भाई ने पिछले मैच में जो तीन लगातार चौके लगे थे, जो तीन रन बल्लेबाज ने दौड़ के पूरे किए थे, वो सब इनाम में राशियां दी। और फिर से उन्होंने इस मैच में भी कि चार लगातार चौके, चार लगातार सिक्सर, अगर ये दोनों लगते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा इस टीम के लिए। मुन्ना पठान भाई आए हैं और अब देखते हैं कि कहां तक लेकर जाते हैं अपनी टीम को। गेंदों की बात करें तो गेंदें बची हैं इस ओवर की तीन। प्रफुल्ल के हाथों में गेंद है, मुन्ना भाई हैं स्ट्राइक पर। रुके अब मुंबई हाजी अली में हीरा पन्ना, बॉलीवुड में विनोद खन्ना और शाहपुर में मुन्ना पठान। एक मैच आप ऐसा देख रहे हैं जहां पर खेल आपको दिखता हुआ, बहुत अच्छे खेल की जीत होती हुई अभी तक। क्योंकि हम सभी को पता है कि ऐसा है कि शायद मुझसे कितने लोग सहमत हों या ना हों, लेकिन ये चुनिंदा सभी वो खिलाड़ी शामिल हैं पूरी टीम में श्रद्धा इंडियंस की, जो शाहपुर तालुका के शायद सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से इनका नाम शुमार होता है। लेकिन शायद यही खेल है कि अगर मैदान पर कोई भी आपसे अच्छा खेल जाए। एक बात और मैं जो हमेशा कहता हूँ कि अगर जीत और हार के बीच का जो अंतर है कामेश, वो ताकत नहीं कि आप कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, वो नॉलेज भी नहीं कि आपके पास नॉलेज कितना है, वो ये बात भी नहीं कि आपके पास किसी भी चीज़ की
कितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप उस चीज को कितना ज्यादा पाना चाहते हैं, दिल से कितना ज्यादा पाना चाहते हैं। अगर आपकी चाहत उनसे कहीं ज्यादा हुई, उसके बाद समर्पण आया, तो कहानी कुछ इस तरह से होगी जिस तरह से अभी तक नजर आती हुई। एक और विकेट गिरा और अब गेंदों की बात कर लें तो अंतिम गेंद आनी बाकी है। रन्स जो बने हैं वो है 76, लास्ट बॉल टू गो। 3 लगातार गेंदों पर 3 विकेट गए और आप टीम हैट्रिक कह सकते हैं। आखिरी गेंद इस इनिंग की, निलेश स्ट्राइक पर, यानी शेष और निलेश है स्ट्राइक पर। वाइड है या नहीं, वाइड का इशारा आता है पैर की तरफ से और आई थिंक 9 विकेट गिरे हैं। मुझे यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर तो 9 ऑल आउट दिखाया जाएगा। ऑल आउट होती हुई टीम। एक बात समझ में नहीं आई कि जो नॉन स्ट्राइक एंड पे थे वो वाइट बॉल, तो उनको पता हो जाना चाहिए था कि वाइट है, तो और अगर निलेश है वहाँ पर तो शायद आपको समझना चाहिए था। आप चलिए अब थोड़ा युवा हैं कि आपसे बेहतर शायद वो कर सकते थे अगर वो रुकते भी वहाँ पर। सेट हैं, काफ़ी लंबे समय से आए हैं, तो आपको ही कुर्बानी देनी चाहिए थी अगर होता तो भी। और खैर, थोड़ा सा इसे कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन की कमी। ओवरऑल 76 रन बने हैं और 77 रन बने हैं, 78 रनों का टारगेट है। गिरते ही, लड़खड़ाते ही, लेकिन बन गए 77 रन। ये तो इस तरह से हुए हैं जब कोई बल्लेबाज नहीं चला, और आप सोचें जब चलते तो आलम क्या होता। नहीं खेले, कुछ नहीं खेले श्रद्धा इंडियंस, तो ऐसा लग रहा है कि 77 रन बन गए हैं। अब मौका है रितेश वॉरियर्स की टीम के पास के कमाल कर जाएं। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि दोनों टीमें बहुत अच्छा खेलें, जैसा दोनों ही भाइयों ने कहा, श्री आनंद जी अधिकारी, श्री सतीश जी अधिकारी ने कहा कि अच्छा खेलें और कोई मलाल नहीं होगा कि जीते कोई हारे कोई, क्योंकि दोनों ही घर के टीमें हैं। चलो कामेश, टारगेट रितेश वॉरियर्स अपने सलामी बल्लेबाजों को मैदान पर भेज दें। टेस्ट
78 इज द टारगेट। आज रास्ते में आते समय आलोक एक जगह एक चार लाइनें बहुत ही बेहतरीन मुझे देखने को मिली जो मैंने आपके लिए खास तौर पर लिखकर लाया है। अगर आप इजाजत दे दें तो मैं उसे प्रस्तुत कर दूं आपके सामने। ब्रो यार आपको इजाजत की जरूरत। 78 टारगेट है। शायराना अंदाज है, किसी ने लिखा कि ये बहार आपको बाकीदत सलाम करती है, मछली जो दिल में आज वो उल्फत सलाम करती है, है जश्न चरागा दामन में आज सबके, कबूल हो आपको मेरी मोहब्बत सलाम करती है। जितना मोहब्बत आप मुझसे करते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं आपसे करता हूँ, इतना तो आप लिख लें, नोट कर लेना, कभी जिंदगी में कभी वो मुकाम आए तो मैं जिस लायक भी हूँ जितना कुछ कर सकूंगा शायद उतना मैं आपके लेकर जाऊं। नए सेकेंड इनिंग की शुरुआत हुई, नीलेश के हाथों में गेंद है, बल्ला चढ़ा चला लेकिन थोड़ा ही चला, उम्मीद कर रहे थे सब सुनामी की, थोड़ी बहुत हवाएं चली लेकिन नहीं मजा आया बल्लेबाजी में सच कहा जाए तो, जिस तरह से जाने जाते हैं वो इसी तरह से नहीं खेले, लेकिन गेंदबाजी में भी बहुत दम है। व्हाट अ स्ट्रोक, और गेंद चौके में तब्दील हुई। नीलेश शायद ये पूछते हुए कि एक बार रुक सकती थी, कोशिश करनी चाहिए थी लेकिन जी नहीं। आउटफील्ड बहुत अच्छी है, ग्राउंड की मैदान बहुत अच्छा है, और आपको बताएं कि जैसा आप रितेश वॉरियर्स 78 रनों का पीछा करते हुए पहले ओवर में चौका। जेडी के हाथों में गेंद गया, तुरंत मना किया गया, ना ना ना, हाँ क्योंकि शायद पता है कि थ्रो बहुत तेज करते हैं, सीधा स्टंप पे करते हैं, दोनों बल्लेबाज आए बल्लेबाजी के लिए, एक तरफ हैं दादू और नॉन स्ट्राइक एंड पे इस समय मंगेश, दादू और महेश, महेश फिर से अच्छा स्ट्रोक, एक और चौका निकलता हुआ। श्रद्धा इंडियंस अगर ऐसे ही वातावरण ठंड होता चला गया तो फिर निश्चित ही है कि श्रद्धा इंडियंस के सभी समर्थकों को नींद आ जाएगी। मुन्ना भाई पठान ने देखा कि शायद स्थिति गंभीर हो रही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी आप देखें कि आपका कोई युवा खिलाड़ी या टीम का कोई भी खिलाड़ी थोड़ा नहीं बात हो रही तो दो तीन अच्छे खिलाड़ी उनके पास आए और बातें करें, आसपास के लोग, कैलाश बांडिया है, मुन्ना भाई है, और सभी ने कुछ तो कहा होगा कि क्या लेंथ करनी है, लाइन क्या करनी है। अब आप देखें शायद फील्ड चेंज की जा रही है, लॉन्ग ऑफ के प्लेयर को, लॉन्ग ऑन के प्लेयर को लॉन्ग ऑफ की तरह भेजा जा रहा है, जो डीप स्क्वायर लेग के आसपास खड़े थे शायद संदीप ही वहां पर अक्सर रहते हैं। शुरुआती दो ओवर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे दोनों ही टीमों के लिए। पहले ओवर में शुरुआत तो अच्छी अब तक दिलाने में कामयाब हुए बल्लेबाजी करते हुए महेश, दो चौके महेश के बल्ले से देखने को मिले। रितेश वॉरियर्स की टीम को एक बात बखूबी समझना होगा कि गेंदबाजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा रहा है तो अब बल्लेबाजों को भी काम आसान नहीं आंकना होगा। लो फुल टॉस गेंद थी, यॉर्कर कराने की कोशिश थी नीलेश की,
ओवर कंप्लीट हुआ पहला, 12 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। एक ओवर समाप्त, एक ओवर के बाद रन संख्या 12 बिना किसी नुकसान। और एक और यूनिक चीज जो शाहपुर प्रीमियर लीग में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं आलोक, वो ये है कि मुंबई में आज तक शायद कभी ऐसा मौका नहीं आया होगा कि हम रात के 3 बजे कमेंट्री कर रहे हो, लेकिन आज शाहपुर में ये पहली मर्तबा मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला, क्योंकि मुंबई में बंदिशें हैं, वहां पर हाईकोर्ट के जो नियम है, जो रूल्स हैं, उनको अप्लाई किया जाता है और उसके तहत 11-12 बजे तक लास्ट से लास्ट मैच समाप्त करना ही पड़ जाता है। वेलकम नीरज भाई एंड संजय भाई, वेरी वार्म वेलकम। आप लोग आए और यहाँ पर जो ये फ्लड लाइट चल रही है, ये फ्लड लाइट की रोशनी और बढ़ गई आप लोग के आने के बाद से। थैंक यू वेरी मच, कम से कम दर्शन तो दिया आप लोग ने, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे बहुत शानदार, शायद भागने की जरूरत नहीं उनको, स्ट्रोक लगा दिया गया है, इतना अच्छा है। चिंता नजर आती हुई, टेंशन नजर आता हुआ, और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है लेकिन चल नहीं रही। श्रावण से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, श्रावण आपको समझना होगा, अच्छा कर सकते हो आप, बहुत ताकत है आप में, लेकिन दादू और उनके साथ, दादू के साथ उनके साथी बल्लेबाज महेश, ये दोनों भी बहुत ही शानदार बल्लेबाज, इसमें तो कोई शक नहीं है। किसी भी टीम की, अंतरराष्ट्रीय जगत की टीमों से थोड़ा सा बेईमानी तो होगी, लेकिन आपको याद होगा आलोक, एक मरतबा जब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वर्ल्ड कप में मैच चल रहा था, उसमें बांग्लादेश को आखिरी ओवर में 6 रन की जरूरत थी और पहली गेंद पर सिक्सर बांग्लादेश ने जीत हासिल कर ली थी आखिरी ओवर की। आज अगर इस मुकाबले जीत हासिल करने में कामयाब होते थी, एक बड़ी उपलब्धि। महेश बल्लेबाजी करते हुए और उनके साथ हैं दादू। मुन्ना पठान भाई एक बार बहुत ही शानदार स्टंपिंग का नजारा मुजारा पेश करते हुए, विकेट कीपिंग तो ये इतनी अच्छी करते हैं कि फिर क्या कहना। ये हो अभिजीत भाई हो, आप देखें शॉर्ट पॉइंट पर खड़े हैं, इन दोनों के रूप में इस टीम में ऐसा विकल्प है कि फिर जिसका कोई तोड़ ही नहीं। दोनों ही विकेट के पीछे बहुत ही लाजवाब हैं। अभिजीत भाई की भी विकेट कीपिंग बहुत ही शानदार है और मुन्ना भाई की भी बहुत ही अच्छी है, तो इन दोनों की जो ये जोड़ी है ये विकेट के पीछे बहुत ही सेफ है। इस बार 1 रन के लिए गेंद गई और यहां पर तो फिर गेंद आप कैसे रोक पाएंगे। किनारा लगने के बाद जब आप स्टंप के एकदम पास खड़े हैं, इतनी रफ्तार के साथ गेंद आ रही है, तो फिर तो ऐसा है कि आपने कोशिश कर दी और फिर काम बन जाए तो अलग बात है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल आती हैं ऐसी गेंदों को रोकने के लिए। इंटरनेशनल में हम देखते हैं विकेट कीपर्स ग्लव्स लेके खेलते हैं, तो वहां पे जो ये हाथ है उनका, जो हमारे 2 हाथ उनके 4 हाथ हो जाते हैं, आसानी थोड़ी सी हो जाती है। अगली गेंद इस ओवर की, व्हाट अ कैच दैट वाज। इसी ऐसे बड़े खिलाड़ियों से हम इतने अच्छे काम की उम्मीद करते हैं, तब मजा आता है, तब ऐसा लगता है कि हाँ ये श्रावण है, हाँ ये कैलाश है, हाँ ये मुन्ना पठान है, हाँ ये संदीप निमसे हैं, हाँ ये विजय हैं, तब मजा आता है जब आप ऐसे काम कर जाएं। वेल डन श्रावण, बहुत मजा आया कैच देख के। आउट हुए महेश, एक बहुत बड़ा विकेट मिला, दादू के रूप में एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है अभी भी।
दो ओवर समाप्त हुए, दो ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 19 रन 20 रन, प्लीज स्कोर बोर्ड पे भी डिस्प्ले कर दें, 20 रन दो ओवर के बाद। रनों की जो गति है वो अब तक 10 रन पर ओवर के हिसाब से चल रही है। एक पहला विकेट जो कैप्टन महेश के रूप में गिरा, जिसमें गेंदबाज ने बेहतरीन काम को अंजाम दिया, फलस्वरूप पहला विकेट, और अब महेश की जगह लेने नए बल्लेबाज पिंटू मैदान की तरफ आगे बढ़ते हुए। दादू और पिंटू ये दोनों बल्लेबाज अब मैदान के दरमियान रहेंगे। रितेश वॉरियर्स ने श्रद्धा इंडियंस के खिलाफ शुरुआत तो अच्छी दिला दी है, देखना है ये जो सिलसिला है ये कब तक चलेगा। रितेश वॉरियर्स और श्रद्धा इंडियंस दो भाई बंधुओं की टीम, अधिकारी परिवार की ये टीम है, देखना है कौन से भाई की टीम बाजी मार जाती है, बड़े मियां या फिर छोटे मियां। दो ओवर 20 रन, दूसरे रन की कोशिश है, थ्रो इंस्टॉलमेंट पे कीपर के पास पहुंचा, पहले पॉइंट के खिलाड़ी के पास, उसके बाद पॉइंट के खिलाड़ी ने लौटाया, और तब तक मौका था बल्लेबाजों के पास कि वो दो रन पूरा कर लेते। माहौल शांत जरूर है, लेकिन कोई पूछे श्रद्धा इंडियंस के कैप्टन और उनके खिलाड़ियों से कि कितना दबाव है उनके ऊपर। एक बड़ी टीम जब भी एक एवरेज टीम के साथ भिड़ती है तो उसे मैच में जीत और हार के साथ अपने सम्मान का भी डर रहता है, और वहीं दूसरी तरफ आज अगर रितेश वॉरियर्स की टीम श्रद्धा इंडियंस को मात देने में, शिकस्त देने में कामयाब हो जाती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर शाहपुर प्रीमियर लीग में श्रद्धा इंडियंस जो चुनिंदा खिलाड़ियों से बनी हुई टीम है उस टीम के खिलाफ जीत प्राप्त करना किसी सपने से कम नहीं होगा, और आज उनके सपने को साकार करने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त पहल कर दी है। इन सूखे गिरे हुए पत्तों पर पांव अदब से रखना, कभी कड़ी तेज में तुमने इनसे पनाह मांगी थी। मैं मुन्ना पठान जी को देखकर यह बात कह रहा हूं कि आप देखें कितनी उम्र हो चुकी है, जितनी हमारी उम्र है उतने ज्यादा इनको क्रिकेट खेलते हुए। ओहो, सफलता मिली है, अब ये मैच फंस रहा है। दूसरा विकेट गिरा रितेश वॉरियर्स का, आधा ऐसा लगा बैट पूरा चलाया ही नहीं गया, और मुन्ना पठान जी विकेट के पीछे हमेशा खिलाड़ियों को सजाते हुए कहते हुए कि क्या करना है, कैसे वापसी करनी है मैच में, क्या किया जाए, और मिला एक और विकेट। बल्लेबाज को तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये किस तरह उन्होंने कैच पकड़ लिया। पिंटिया आउट हुए, क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट स्टेज पर नजर आते हुए, और इतनी अच्छी इनकी भी इतनी अच्छी टीम है, लेकिन ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका के जैसी किस्मत है, साउथ अफ्रीका की जैसी किस्मत है, कितनी शानदार शानदार, खुद इतने अच्छे बल्लेबाज हैं, खुद इतने अच्छे लीडर हैं, इनकी कप्तानी मुझे देखकर इतना मजा आया कि क्या कहूँ, लेकिन इसके बावजूद आप सोचें कि हमेशा अच्छे मुकाम तक पहुँच के वहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक गलती हो जाती है। संदीप निमसे, इनको तो बस अपने काम से मतलब रहता है, आप देख लें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अब फ्रेम में आने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा कैमरे में आने की कोशिश करते हैं। चार गेंदें हुई हैं तीसरे ओवर की, और रन संख्या इस समय नजर आती हुई 24 इन 2.4।
लेकिन संदीप एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपने खेल की बदौलत लोगों को अपना प्रेमी बना लेते हैं, लोगों को अपना चाहने वाला बना लेते हैं। प्लीज ग्राउंड में जब मैच चल रहा हो तो उस वक्त चहलकदमी ना करें, प्लीज रिक्वेस्ट आप सभी से, ओवर खत्म हो जाए उसके बाद जाएं आए। थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरे रन की आया, मजा आ रहा था और इसी बात और आउट दिया अंपायर ने। इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि जब श्रद्धा इंडियन और रितेश वॉरियर्स उतरेगी मैदान पर, दोस्तों थोड़ा देर ही सही लेकिन आप देखें सेकेंड इनिंग में मजा आ रहा है। मैच अब धीरे धीरे फंस रहा है और क्या एफर्ट किया गया, फील्डिंग आपने देखी, थ्रो देखा और उसके बाद गेंदबाज संदीप का एफर्ट आप देखें कहां थे, कहां से तुरंत डाइव लगाया गया, छलांग लगाया गया और अब एक और विकेट मिला रनआउट के रूप में, तीसरी सफलता मिली। ओवर समाप्त हुआ तीन ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 26 तीन विकेटों के नुकसान पर। प्लीज बहुत ज्यादा वक्त ना लें। आलोक का कहना यह है कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलें, चेस की तरह ना खेलें प्लीज। बिल्कुल नहीं, चलिए मान लेते हैं कि हालात ऐसे आते हैं, सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जहां पर थोड़ा सा आपको, आप सभी भी फंस जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि कई बार आप प्लान कुछ और करके आते हैं और कुछ और हो जाता है तो वहाँ पे आपको जो प्लान है आपका बदलना पड़ता है, तो इसकी वजह से आप देखें ज़रूरी है, ठीक है थोड़ा वक्त ले लें, लेकिन आप सभी को पता है कि आईसीसी ने ये नियम रखा है कि अगर आप वक्त के साथ नहीं चलते हैं तो आपके जो ओवर्स हैं वर्क कट किए जाते हैं, पेनाल्टी लगाई जाती है। उसकी वजह ये है कि समय की पाबंदी, समय के साथ आपको हमेशा ही जुड़े रहना है, उसके साथ चलना है। अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ कि उसके साथ नहीं चलते हैं, उसकी वजह भी एक है कि उससे इस खेल में और अनुशासित जो तरीका है वो सब नजर आता है। और यहाँ पर एक और चीज जो देखने को मिलती है वो ये भी है कि आप ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग में कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वो भी एक स्किल है। अरे 30 गेंदों में 52 रनों की जरूरत है, एक्सक्यूजेस कभी ना दें, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को कभी मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। क्या वो 100% बात थी कि वहां पर कैच नहीं पकड़ा जा सकता था, पकड़ा जा सकता, शायद ध्यान थोड़ा और होता तो किनारा लगा, हाँ ये कह सकते हैं आपके कुछ ज्यादा मुश्किल था। प्लीज थोड़ा सा खेल थोड़ा सा जल्दी खेलें, हालांकि अंतिम मैच है ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो हमारे वीडियोग्राफर हैं, डीजे वाले किरण हैं, आकाश हैं, वो सब भी कहते हुए थोड़ा सा जल्दी कहते हुए कल सुबह वापस ठीक 11 बजे से मैचेस की शुरुआत करनी है। वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से आ रहा है और विज्ञान भी ये कहता है कि कम से कम 8 घंटे की नींद उन लोगों को होनी चाहिए जो दिन भर मेहनत करते हैं। ऐसे 6 घंटे से भी आपकी नींद पूरी हो जाती है, लेकिन जो दिन भर मेहनत वाला कार्य करते हैं उनके लिए कम से कम 8 घंटा। बहुत शानदार गेंदबाजी इस ओवर में और श्रावण गेंदबाजी करते हुए दादू खड़े हैं वहां पर और ये जब तक खड़े हैं तब तक उम्मीदें जिंदा हैं रितेश वॉरियर्स की टीम की। और ये बल्लेबाज तो ऐसा है कि कभी संभल कर तो कभी बरस कर, कभी नरम तो कभी गरम। गेंदे की बात करें तो गेंदे हो चुके हैं इस ओवर में तीन बॉल और रन 30 रन, सो 3.3
तीन ओवर की गेंदबाजी हुई है, 30 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। शावन चले शुरुआती 2 ओवर में 20 रन और पिछली 9 गेंदों में सिर्फ 10 रन। सीधा पॉइंट के खिलाड़ी के हाथ में खेल बैठे और इस बार वहां पर थे मौजूद खिलाड़ी कल्पेश, उन्होंने कोई गलती नहीं की, एकदम आसान सा कैच था और उतनी ही आसानी उतनी ही सफाई के साथ उस कैच को पकड़ा भी गया। और अब यहां पर आप देखें कि कितना बड़ा विकेट कितनी आसानी से मिल गया, क्या कहेंगे आप इसे? बस इतना कह लें कि गलतियां करते हैं और इतने बड़े बड़े बल्लेबाज गलतियां करते हैं, थोड़ा सा बुरा लगता है, दुख होता है देख के। हालांकि आपको पता है कि किसी ने अगर कहीं पर भी ये बात सोचा कि मैंने किसी के पक्ष में कभी कमेंट्री की, तो मेरे इस जिंदगी भर की जो मैंने मेहनत या जो भी मेरी उम्मीद है कमेंट्री की, उस सब की कसम आज तक दिल में, दिल कहीं पर भी हो लेकिन जुबान पर दोनों ही टीमों का नाम जो हालात है उसका, और बहुत खराब तरीके से क्रिकेट खेला गया दादू के द्वारा। उन्हें पता है कि 3 विकेट गिर चुके हैं, वही अब ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सारी उम्मीदों की आस बंधी है और इतना खराब स्ट्रोक, पॉइंट पर फील्डर है, आपको पता होना चाहिए गेंद आपने इतनी आसानी से प्लेस कर दी, चलिए पंच करते थे तो कोई और बात थी, तो ऐसा लगा कि आप जानबूझ के कैच प्रैक्टिस करवा रहे हो उन्हें, लेकिन ये गलतियां हैं दोस्तों और ये गलतियां होती हैं खिलाड़ियों से और कोई भी जानबूझकर तो ऐसा कभी नहीं करता, सीखना है, आप अपनी गलती को स्वीकार करें और फिर उसके बाद आपको सीखें और सुधार करें। स्कोर जो टीवी में दर्शाया जा रहा है वो 29 है, आई थिंक इट्स 31, प्लीज अपडेट कर दें हमारे टेक्निकल स्टाफ, ये बात वाजिब है कि आप थोड़े से थके हैं, लेकिन प्लीज कुछ समय और स्कोर रेगुलरली अपडेट करते रहें। और इस बार मौका दिया गया, थोड़ी सी रफ्तार में भी कमी थी और पछताना नहीं है, जब आप कुछ काम खराब करें तो उसके बाद फिर पछताना क्या। ओवर समाप्त हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 37 रन 4 ओवर की समाप्ति 37 4 विकेटों के नुकसान पे, 4 ओवर 37 रन 4 विकेट। चार ओवर 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में सभी चाय की चुस्की लेते हुए, रात के 3 बज रहे हो, क्रिकेट का रंगीन माहौल चल रहा हो, शीत लहर की तरह से सर्द हवाएं बदन को छू रही हो और ऐसे में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो रात बन जाती है। सैतीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौबीस गेंदों में अब 41 रनों की जरूरत है और इस रथ को अब और रोकने के लिए जेडी आते हुए गेंदबाजी के लिए। राकेश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज किशोर, 24 पे 41 की जरूरत। उभरता हुआ सितारा जेडी, एक रन पहली बॉल पर, एक स्लिप के साथ इनसे शुरुआत करवाई गई। अभिजीत बहुत बैकअप करते हैं इन्हें, अगर मैं जब पहले एडिशन में आया था तो उस वक्त भी अभिजीत को इनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था, हालांकि पूरी टीम ने इन पे भरोसा जताया ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि किसी किसी के साथ कुछ ज्यादा ही कनेक्शन होता है और इनके विश्वास को जेडी ने 7वें आसमान तक पहुंचाया, अगर कहूं तो गलत नहीं होगा। एक स्लिप अभी भी मौजूद है क्योंकि गेंदों को टप्पा कराने के बाद बाहर की तरफ निकालते हैं। इस बार ये वाइड का इशारा, शायद ये बात तो बिल्कुल नहीं कही होगी अभिजीत ने आपके पास जाकर जेडी, और इनकी यही एक प्रॉब्लम है जो
जब हम ढाबे पर रात को मैच की समाप्ति के बाद खाने के लिए गए तो यही बात मैं कह रहा था पूरी टीम से। यहाँ एक ऐसा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे एक ऐसा सोचने वाली बात है इनके ऊपर, बाकी तो फिर ये बहुत ही नायाब है। और एक और चीज जो बात चल रही थी जेडी के बारे में कि जब विकेट कीपर दूसरा होता है तो इनकी गेंदबाजी का रंग निराला हो जाता है, और वही विकेट कीपर अगर कोई और रहे तो इनकी गेंदबाजी में अलग पैनापन देखने को मिलता है। जी नहीं, ऐसी बात तो आप हमेशा तो उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको हर जगह मुन्ना भाई या अभिजीत ही मिलेंगे, तो ये तो चले ठीक है, हाँ ये बातें हो रही हैं मजाक में ठीक है, लेकिन अगर आप सीरियस नोट पे देखते हैं तो ये बात तो कभी आड़े हाथ आने नहीं चाहिए। बहुत अच्छी फील्डिंग इस दफा, राजा थे रन्स कितने मिले अंपायर्स? एक रन, एक या दो? एक रन, एक रन ना, एक रन, एक रन। ओके, अभिजीत भाई अंपायरिंग करते हुए, और ये भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जैसा मैं कह रहा था कि जब ये खेल रहे थे अपनी टीम के लिए, अर्जुन टाइगर्स की टीम के लिए, बहुत लाजवाब फील्डिंग, बहुत शानदार फील्डिंग। गणेश थे वहां पे, काफी युवा हैं ये भी, अगर आप इनकी उम्र देखें तो बहुत छोटे हैं, लेकिन देखें एफर्ट इस खिलाड़ी का। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने बड़ों से सीख सकते हैं, मुझे 24 पे 41 की जरूरत थी, इस ओवर की शुरुआत हुई, गेंदें हुई हैं चार, और चार गेंदों में अभी तक जो रन आए हैं वो हैं पांच, बराबर या सात? जी हाँ, एक वाइड प्लस है तो सात गेंदें। तो अब गेंदें बची हैं इस ओवर की दो, और टोटल रन्स 44, 14 गेंदों में अब 36 की जरूरत। जी हाँ, उन्नीस गेंदे शेष है, पांचवा ओवर चल रहा है, इसके बाद तीन ओवर और। वाइड का इशारा इस बार आएगा जरूर अंपायर अभी की तरफ से। एंगल, खैर अब यहां पर तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह है कि रितेश वॉरियर्स मौके बने हैं और शायद ऐसे मौके बार बार ना मिले। अभिजीत आए हैं और विजय थे उस गेंद पर, और ये तो बहुत दिलेर हैं, इनकी भी फील्डिंग देखते ही बनती है। ये भी खिलाड़ी पूरा जान लगाता है, इनको तो मैं जब जब देखा तब तब मजा आया। बल्लेबाजी में नहीं चले, नहीं चल रहा बल्ला, लेकिन बहुत ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरे दिल के साथ खेलते हैं। ओवर कंप्लीट हुए पांच, पांच ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 46 रनों पे। पांच ओवर 46, रिक्वेस्ट करते हैं हमारी टेक्निकल टीम से कि वो उसे प्लीज टीवी स्क्रीन पे भी अपडेट कर दे। अठारह गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए और 32 रनों की जरूरत, 18 बॉल्स एंड 32 रन्स नीडेड, 18 पे 32। आपको बताएं कि गौरव सावंत भी अपडेट करते हुए कि इतनी रात हो गई, आप सोचें 3:15 के आसपास हो रही है तो भी शाहपुर प्रीमियर लीग को बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं अभी भी। तो शाहपुर प्रीमियर लीग की जो लोकप्रियता है, और एक बात और मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में एक और टूर्नामेंट हुआ हमारे पास में ही गिरसे में, वहां पर पहली बार हमारे साथ कोई हमारा को पार्टनर लेडी होस्ट आई मुंबई से, और उन्होंने भी इस टूर्नामेंट की तस्वीरें मुझे दी, उन्होंने इस टूर्नामेंट की तस्वीरें हमारे शाहपुर प्रीमियर लीग की तस्वीरें मुझे दी। तो मैंने कहा कि आपको कहाँ से मिली, तो उन्होंने कहा कि शाहपुर प्रीमियर लीग इतना पॉपुलर है कि हर लोगों तक पहुंचता ही है, और मुझे, मैं पहले से जानती थी इस टूर्नामेंट के बारे में, आपने नहीं बुलाया वो अलग बात है।
तो शाहपुर प्रीमियर लीग तो और जो पॉपुलर हुआ है संजय भाई, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आप लोगों ने जो इस टूर्नामेंट को लाइव कवरेज दिखाया है और जो आप लोगों ने टेनिस क्रिकेट डॉट इन को यहाँ पे बुलाया है, जितना इनका योगदान है उतना आप लोग का भी है क्योंकि आप लोगों ने इनको बुलाया। तो ऑर्गेनाइजिंग एंड टेनिस क्रिकेट डॉट इन एंड जो लोग भी लाइव दिखा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की वजह से हम लोगों की आवाज़ बहुत सारे लोगों तक पहुंची। इस टूर्नामेंट के बाद बहुत सारी जगह से भी कॉल्स आए। चलिए चलते हैं सीधा मैदान की तरफ। अब 18 गेंदें और 32 रनों की अब जरूरत है। पावर प्ले लिया गया और भला पावर प्ले के ओवर में इनसे बेहतर गेंदबाज कौन होता? संदीप ये बहुत ही एक्यूरेट हैं, ये ऐसे हैं जो बिल्कुल नपीतुली गेंदबाजी करते हैं, एकदम सुलझे हुए खिलाड़ी नजर आते हैं, खेल में भी, मैदान के अंदर भी, मैदान के बाहर भी। डॉट के साथ शुरुआत। 17 पे 32 की जरूरत। किशोर है स्ट्राइक पर, वाह मुन्ना पठान भाई वाह, बहुत ही सुंदर स्टंपिंग देखें इनकी, कितना पास में खड़े थे, मौका मिला पलक झपकते ही, जब तक बल्लेबाज कुछ समझ पाते स्टंप्स बिखर चुके थे। खूबसूरत, जितनी अच्छी गेंदबाजी उतनी अच्छी विकेट कीपिंग, बहुत अच्छा खेल इस समय श्रद्धा इंडियंस की टीम की तरफ से और दबते हुए थोड़े से रितेश वॉरियर्स। हालांकि मौके अगर आप पूछेंगे मुझसे कि क्या है तो दोनों ही टीमों को अभी भी 50-50, 50% इधर 50% इधर 50%। मैं श्रद्धा इंडियंस की टीम के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक विकेट जो उन्हें इस हालात में मिल गए हैं, नहीं तो शायद 60-40 था, आप कह सकते थे 18 पे 32 जब था। अब विकेट गिरे हैं चार, पांच 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 विकेट। लाइव लाइव पे वहां पे जो आप देख रहे हैं टीवी पर, थोड़ा सा वक्त लगता है, चाहे यहां पर चाहे ज्यादातर टूर्नामेंट्स में जब लाइव दिखाते हैं थोड़ा सा उनको वक्त लगता है अपडेट करने में। तो 5 विकेट गिरे हैं। 46 पे 5। अभिजीत मिड विकेट पे खड़े हुए, दीप में खड़े हैं गणेश और इस बार वाइड कर बैठे, वाइड और प्लस एक बाई का भी इशारा। तो 2 रन तो ऐसे मुफ्त में दिए गए, इसके लिए शायद अगर मेहनत करवाते इनकी टीम से रितेश वॉरियर से इन 2 रनों को बनने के लिए तो वो कहीं ज्यादा था ठीक, लेकिन कई दफा चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। आप लाख चाहें कुछ करना, आपके सोच, आपके जो तरीके हैं वो एक तरफ और बेबसी दूसरी तरफ नजर आती है। अच्छी फील्डिंग, बहुत शानदार फील्डिंग, जेडी वहां पर मौजूद, डॉट होते ही बॉल। 15 गेंदों का खेल अभी खेला जाना बाकी है और 15 गेंदों में 30 रन की जरूरत है। मैच बहुत ही रोमांचक चलता हुआ और मजा इतना आता हुआ कि क्या कहने, फिर दबाव टेंशन दोनों ही टीमों पर, दोनों ही खेमों पर। कहां इन्होंने इतना रूम दिया, कहां इन्होंने इतना मौका दिया, आपने अगर देखा होगा दोस्तों तो पावर प्ले के ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं संदीप, और अभी तक जब इनकी गेंदें 4 हो गई हैं, 4 गेंदें हुई और रनों की बात करें तो रन संख्या बढ़कर पहुंचता हुआ 49 रनों पर, तो एक भी गेंद इन्होंने बैट के आगे नहीं की, एक भी गेंद बहुत छोटे नहीं की, अभी तक बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। 2 गेंदें और बाकी हैं, 6ठे ओवर में मैच चलता हुआ और इस बार तो शायद किसी को चांस ही ना मिले। बहुत शानदार स्ट्रोक, बहुत जल्दी लेंथ को पिक किया गया और कनेक्शन देखें आप, 50 रन पूरे होते हुए स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 53 रनों पर, 53 रन इन 6 ओवर की जब एक गेंद आनी बाकी है, 6ठे ओवर की जब एक गेंद आनी और बाकी है। 53 ये है हालिया स्कोर, 5.5 ओवर का खेल होने के बाद गेंदे अब शेष रह गई हैं 13 और इन बची हुई 13 गेंदों में 25 रन की आवश्यकता है ये मैच जीतने के लिए। दोनों ही टीमों के खेमे में और खिलाड़ियों में जीत
कि उम्मीद अभी भी बरकरार है और एक कड़ा मुकाबला चलता हुआ जैसा कि उम्मीद लगाई गई थी इस मैच से पहले रितेश वॉरियर्स और श्रद्धा इंडियंस के दरमियान 13-25। राकेश के बल्ले से निकला वो शानदार चौका, ओहो, नो मैटर हाउ गुड यू आर देयर इज ऑलवेज समवन बेटर। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपसे अच्छा कोई ना कोई तो है। और बहुत शानदार स्ट्रोक निकला और उसकी अगली गेंद पर अब जवाब देने की बारी किसकी थी, गेंदबाज संदीप की, और क्या खूब जवाब दिया गया। चौका लगाया मुझे आपने, जहां से अब वहीं से बाहर जाइए, डॉट एंड विकेट, और क्या खूबसूरत ओवर। इस ओवर में अगर सैंडी के ओवर की रनों की बात करें, कितने रन खर्च किए इन्होंने, रन 7 खर्च किए और एक बहुत बड़ी सफलता के साथ 2 विकेट आए इस ओवर में। जी हम कैसे बोले कि 2 विकेट आए, एक जहां पे स्टंपिंग की मुन्ना पठान जी ने किशोर को आउट कराया और अब उसके बाद राकेश, नया बल्लेबाज प्रफुल्ल गए बल्लेबाजी के लिए। 6 ओवर समाप्त हो चले हैं, अब 12 गेंदों का इंतजार है और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फाइनल मैच के पहले का फाइनल चल रहा हो। लड़ाई घर में है दोस्तों, बात घर की है, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जब इस बात को समझ लिया कि अर्जुन अब अस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि इनके दिल में वो बात आ गई है, जो मोह है इस दुनिया का वो बात आ चली है, तो उन्होंने एक बात कहा और पवित्र गीता की वो पवित्र लाइन, मुझे पता नहीं मुझे इस मंच पर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, उन्होंने एक बात कही कि यहाँ पर कोई आपका नहीं है, यहाँ पर कोई आपका नहीं है, नाते रिश्ते ये जो है सिर्फ मोह है। और जब मैदान में आप एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं तो भूल जाए, बहुत मजा आता हुआ इस मैच का। जीडी तैयार होते हुए 12-25 की जरूरत, अच्छी फील्डिंग की इन्होंने, बहुत अच्छी फील्डिंग की कल्पेश, लेकिन रनिंग उससे बेहतर रही, तो बहुत शानदार 2 रन। क्रिकेट बहुत ही रोमांचक चलता हुआ, हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ, और रात का जो ये वक्त है इस खूबसूरत क्रिकेट और कृत्रिम दुधिया रोशनी में, ऐसा लग रहा है चांदनी के रोशनी से नहाया हुआ यह मैदान, और इन दोनों ही टीमों के बहुत खूबसूरत खेल ने इस मैच को और खूबसूरत बना दिया है। पहली बॉल पर 2 रन, अब 11-23 की जरूरत। हर एक खिलाड़ी श्रद्धा इंडियंस का, पैर से गेंद टकराई, जेडी जाते हो वहां पर, क्या ये जीते या नहीं? जी नहीं, अंपायर ने मना किया, हाथ से गेंद थ्रो क्यों नहीं किया गया आपके द्वारा, विकेट कीपर भी थे वहां पर, ऐसा नहीं था कि अगर कोई नहीं होता तो आपको एक रन जाने का डर था, शायद इन्हें लगा कि मैं इनसे पहले पहुंच जाऊंगा। दोस्तों एक बड़े शायर ने कहा, इस वक्त इस हालात पे मुझे वो लाइन याद आ रही है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, और इश्क हो या हो जंग भरपूर होना चाहिए, और भरपूर चलता हुआ ये मैच, कड़क चलता हुआ मुकाबला, ऐसा कि रूह को छू जाए मुकाबला, ऐसा कि जो दिल तक पहुंचे, श्रद्धा इंडियन वर्सेस रितेश वॉरियर्स। 10-22, क्या फिर से 2 रन? जी नहीं, जब देखा गया कि गेंद है श्रावण के हाथों में तो रुक गए। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर के दरिया पार करो। याद रखें अपने कंधों पे चलें, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। क्यों भरोसा करना गैरों पर जब जिंदगी का सफर पूरा करना है खुद के पैरों पर। एक बार फिर से विजय, विजय आप बल्लेबाजी में भले नहीं चले, लेकिन दोस्त जो समर्पण, जो डेडिकेशन आपका फील्डिंग में है, उसके लिए तो आपको मेरा सलाम। ये खिलाड़ी देखकर मजा आता है इनको, विजय को, जहां पर भी रहे, कैलाश भांडे की मैं बहुत बातें करता हूँ, श्रवण की मैं बहुत बातें करता हूँ, मुन्ना पठान, अभिजीत, जितने भी खिलाड़ी हैं इस टीम में सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभिजीत ये भी बहुत इंप्रेस किया इन्होंने फील्डिंग में। और मुझे अगर इन बड़े सितारों के साथ कोई
खिलाड़ी ने बहुत आकर्षित किया तो वो गणेश धोनी रहे। मुझे बताया जा रहा है कि उनके चेहरे पर अभी तक मूंछ की रेखाएं भी नहीं आई है और इतने कम उम्र में इतना बेहतरीन प्रदर्शन फील्डिंग के जरिए लाजवाब है। यहां पर एक खराब गेंद नजर आई, फुल टॉस गेंद कन्वर्ट करने में नाकाम रहे थे बल्लेबाज, कोई कनेक्शन गेंद और बल्ले का हुआ नहीं, एक रन दौड़कर मुकम्मल हुआ। अभी भी रितेश वॉरियर्स के बल्लेबाज जीत की तरफ कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं और अगर खुद पे भरोसा हो तो 20-22 रन आखिरी ओवर में भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन वही बात जहां पर आकर बातें रुक जाती हैं कि विश्वास, आत्मविश्वास कितना है आपको अपने ऊपर। खुद पर हो अगर भरोसा और मन में अगर हो आस्था तो कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए मिल ही जाता है रास्ता। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है और हो अगर हौसला तो समुंदर पार भी कर सकता है। लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा होता चला जा रहा। सातवां ओवर आई थिंक यहां पर समाप्त हुआ और आलोक को मुझे सात रन सिर्फ खर्च किए गए जेडी के द्वारा, सात रन खर्च किए। अब छह गेंदे हैं और 6/18 की जरूरत है। मैच तो वहां पर था रितेश वॉरियर्स साहब के लिए ज्यादा, अभी भी है लेकिन ज्यादा वहां पर था जब 12/25 की जरूरत थी। ये ओवर जो इस मैच की दिशा दशा को पलट सकता था उस मैच में, इस मैच को 75% अपनी तरफ खींच कर लेकर आया गया जेडी के द्वारा। सभी समझाते रहे और इसने सभी को 6/18 की जरूरत। रन संख्या इसमें बढ़कर पहुंच चली है, टोटल जो रनों की संख्या है वो 60 6/18। इस वक्त हमारे कैमरामैन स्टेज को कैप्चर करते हुए शाहपुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये शाहपुर प्रीमियर लीग 2016। 6 गेंदे शेष और 6/18 की आवश्यकता। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए श्रद्धा इंडियंस के खिलाड़ी निलेश या फजल, बॉलर निलेश, फजल हैं स्ट्राइक पर। फजल छह गेंदे शेष और 6/18 रन की जरूरत रितेश वॉरियर्स को विजयी बनने के लिए। श्री नीरज जी बॉम्बे को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और उनके साथ उनके सभी साथी खिलाड़ी। 6/18 की जरूरत, फजल है स्ट्राइक पर। एक रन कंप्लीट हुआ, इतना श्रावण और जब मिस फील्ड हुआ तो फिर बैकअप में भी थोड़ा सा वक्त लगाया इन्होंने। ऐसे सिचुएशन में जब दूसरे रन काफी रिस्की रहे या फिर आप कह सकते हैं कि क्वार्टर रहे, क्वार्टर को आपको एक में बदलना है, पौने दो रहे उसको दो में बदलना है, तो वहां पर अगर आप एक सेकंड नहीं अगर उसका आधे का आधा भी कहूँ अगर उतना भी समय गंवाते हैं शायद वो भी काफी होता है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद इस बार निलेश की, एक रन दोनों बल्लेबाजों को। 3 रन आए शुरुआत की 2 गेंदों पर, अब 4/15 की जरूरत। 4 गेंदें 15 रनों की जरूरत, जो जीतेगा वो सीधा अगले पड़ाव में पहुंच जाएगा, सीधा क्वार्टर फाइनल में। टेंशन सर खुजलाते हुए और ये वो हालात है। और आपको बताऊं कि इस समय तो शायद सब खिलाड़ी गहरी नींद में सो रहे होंगे लेकिन यहाँ पे तो नींदें उड़ गई हैं, नींद हराम हो गई है, ऐसा हालात है। बर्थडे बॉय, 3 रन 2 गेंदों पर, अब 4/15। कामेश जो बर्थडे बॉय है
बहुत अच्छी गेंद। निलेश ने पहले ओवर में इतना प्रभावित नहीं किया था, लेकिन इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। अब 3/15 की जरूरत है रितेश वॉरियर्स। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरत है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी अगर आपके परफॉर्मेंस में नहीं है तो फिर यही देखें कि मैच कहां बना हुआ था। एक बड़ी टीम ने मैच को अपनी तरफ लेकर आई, श्रद्धा इंडियन अपनी तरफ लेकर आ गए और आपने बना हुआ मैच लगभग लगभग गंवा दिया। हेड अभी भी बाकी है 3/15। और दोस्तों रात के 3:30 बजे हैं, क्या आउट है या नहीं? जी हाँ, आउट का इशारा किया गया अंपायर की तरफ से। अब दो गेंदें बची हैं और दो गेंद, जी हाँ वाइड का इशारा आया है, तो अभी भी आप कह सकते हैं कि 3/14 की जरूरत है, तो मैच तो बना बचा है, अभी भी मैच बचा है। रात के 3:30 बजे हैं और गौरव अपडेट करते हुए कि यूट्यूब पर लाइव शाहपुर प्रीमियर लीग को 20-25 लोग देख रहे हैं, कभी 25 हो रहा है, कभी 20 हो रहा है, कभी 22 हो रहा है, तो इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, सोचे रात के 3:30 बजे। और जो फैमिली है, जो जो बिल्डिंग है हमारे ग्राउंड के, अगर इसमें दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑन साइड में, वो पातकर फैमिली जो है, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और बहुत इतनी रात को जो आप लोग कहते हैं, सबने कहा कि ये फैमिली कैसी है जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट को सपोर्ट किया, जो भी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर खेले उन सभी को सपोर्ट किया, और आप लोग जो रात कभी भी देख रहे हैं उसके लिए हम सभी थैंकफुल हैं। शाहपुर तालुका क्रिकेट एसोसिएशन, पीयूष और पारस और आपकी पूरी फैमिली, बहन माँ, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी की तरफ से, बहुत धन्यवाद। क्या दोनों अंपायर आपस में बात करते हुए, क्या ये जो बातें हो रही हैं, ये जो अभी कुछ इंसिडेंट हम देख रहे हैं, जो कुछ हरकत हम देख रहे हैं, कहीं ये मैच रितेश वॉरियर्स की तरफ आता तो नहीं? स्ट्राइक पर है इसमें बल्लेबाज फजल, और फजल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कर सकते हैं। 2/13, दो गेंदों में 13 की जरूरत। और अब आखिरी गेंद ही शेष रह गई है। नो डाउट कि रितेश वॉरियर्स ने शुरुआत बेहतरीन की थी, 2 ओवर में 20 रन बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि आज श्रद्धा इंडियंस के खिलाफ कुछ फेर बदल देखने को मिलेगा। बहुत लाजवाब गेंद रही, कुछ नहीं कर पाए, और इसी के साथ एक बहुत बड़ी जीत मिली। वो इसलिए भी जीत मिली क्योंकि बल्लेबाजों ने नाकाम किया तो गेंदबाजों ने बीड़ा उठाया, गेंदबाजों ने जिम्मेदारी उठाई और बहुत ही शानदार खेल खेला गया दोनों ही टीमों के द्वारा। मैं कहूंगा कि पेपर पे हम जरूर लिखेंगे कि रितेश वॉरियर्स हार गई, लेकिन रितेश वॉरियर्स की पूरी टीम, सतीश जी अधिकारी, आप लोग इस मैच को भले से मैदान पर ना जीते हो, पेपर पे ना जीते हो, लेकिन हम सभी के दिल में जिस तरह से आपने खेल खेला, इस मैच को आपने भी जीता। मैन ऑफ द मैच के लिए चलें तो दो ओवर में इन्होंने खर्च किए हैं 13 रन और 4 विकेट लिए हैं। आप सभी को पता है कि जब वो आते हैं तो मैं बहुत बातें करता हूं, वन ऑफ माय फेवरेट हैं, तो संदीप आ जाएं स्टेज पर, संदीप को जाता है मैन ऑफ द मैच, पूरी टीम देखें ताली बजा रही है, इस तरह बड़ी टीम बनती है। संदीप आ रहे हैं इधर पर और सभी ताली बजाते हैं, और इनको मैन ऑफ द मैच देने के लिए इनसे बेहतर हमारे बीच भला और कौन हो सकता था। श्री नीरज जी मुंबई हमारे बीच हैं, वाइस प्रेसिडेंट शाहपुर क्रिकेट तालुका एसोसिएशन के, और मैं तो ना चाहते हुए भी इनके साथ ज्वाइन हो गया क्योंकि संदीप है मैन ऑफ द मैच। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा यहां पे कर लें। दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट भाई मुंबई और संदीप
बल्लेबाजी में 12 रन और गेंदबाजी के दो अहम ओवर में बहुत ही शानदार खेल खेला गया। संदीप, रन कम बने थे तो दबाव बहुत ज्यादा रहा होगा गेंदबाजी के ऊपर। हाँ, बहुत प्रेशर था। पावर प्ले के ओवर में जब आप बॉलिंग कर रहे थे तो वहां पर क्या रणनीति थी कि किस लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाजी करनी है? एक्चुअली अभी भी